Sir, how did you find Tandil, sir? Brilliant. Superb. Good. Especially, it's a real story, so it's perfect, really gripping. It's a must-watch movie for the audiences, sir. Superb. आपने बहुत अच्छा काम किया है अपने देश के लिए और पूरी दुनिया आपको देखेगी और कुछ सीखेगी तो और उन्होंने ये भी बोला कि ये बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है और मेरे पिता ने बहुत मेहनत की है और अब लोगों को पता चलेगा और इसको देखकर और भी लड़कियां इसमें आगे आएंगी स्पोर्ट्स में किसी भी क्षेत्र में तो लड़कियों को बहुत बढ़ावा मिलेगा इस फिल्म को तो ये आनी चाहिए हमें उम्मीद है कि जाएगी ऑस्कर के लिए आई थिंक अगर ये हमारा काम और लोगों को अगर बहुत अच्छी लगी मूवी आई थिंक मेरे लिए वही ऑस्कर होगा आपने बहुत अच्छा काम किया है अपने देश के लिए और पूरी दुनिया आपको देखेगी और कुछ सीखेगी तो और उन्होंने ये भी बोला कि ये बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है और मेरे पिता ने बहुत मेहनत की है और अब लोगों को पता चलेगा और इसको देखकर और भी लड़कियां इसमें आगे आएंगी स्पोर्ट्स में किसी भी क्षेत्र में तो लड़कियों को बहुत बढ़ावा मिलेगा इस फिल्म को तो ये आनी चाहिए हमें उम्मीद है कि जाएगी ऑस्कर के लिए आई थिंक अगर ये हमारा काम और लोगों को अगर बहुत अच्छी लगी मूवी आई थिंक मेरे लिए वही ऑस्कर होगा इनफैक्ट जो मेन प्रतिक्रिया मैं वेट कर रहा था वो महावीर सिंह जी और गीता और बबीता की थी और एक हालांकि इतने लोग फिल्म देख चुके थे पहले और उनकी बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक थी और सब लोगों को बहुत पसंद आई थी बट मैं बहुत ईगरली वेट कर रहा था कि महावीर जी और गीता और बबीता को ये फिल्म कैसी लगेगी और जब उन्होंने आके बोला कि फिल्म उनके दिल को छू गई तो बहुत बड़ा मेरे लिए रिलीफ था एक्चुअली बिकॉज मैं थोड़ा सा नर्वस था कि जिनके ऊपर कहानी लिखी गई है उनको कैसी लगती है हाँ उनके साथ इंसाफ किया कि नहीं जी आमिर परफेक्ट उतरे आपकी आपकी जो विजन था उसमें मोर देन परफेक्ट उतरे मेरे ख्याल से तो एज ए डायरेक्टर इससे ज़्यादा आप कुछ मांग नहीं सकते कि एक कलाकार इतने बड़े स्टेचर का इतने दूर तक जाकर आपके विजन को साकार करने में पूरी कोशिश करे और ना सिर्फ कोशिश करे बल्कि उसको आपकी उम्मीदों पे कई गुना ज़्यादा खड़ा उतरे उससे ज़्यादा कोई एक डायरेक्टर नहीं मांग सकता एक्चुअली मुझे एक चीज़ कहनी है वो ये कि जब कोई भी डायरेक्टर कहानी सुनाता है तो हम जब कहानी सुनते तो हमारे मन में एक चित्र आता है एक इमेजिनेशन होता है
और मेरे लिए सबसे बड़ी कामयाबी डायरेक्टर की ये होती है कि जब वो आपको जो जो आपको नरेट करे जो पेपर पे है वो पर्दे पे उसी तरह ला सके, उसको और बेटर ला सके। और मुझे बेहद खुशी है कि नितेश जी एज ए डायरेक्टर उन्होंने जो मुझे सुनाया था उससे 10 कदम आगे उन्होंने फिल्म बनाई। तो मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है कि जो मैंने ट्रस्ट और फेथ नितेश जी में रखा वो उससे आगे बढ़कर उन्होंने हम सबको इतने अच्छी तरीके से लीड किया, जिस समझदारी से फिल्म बनाई है। तो थैंक यू सर। अगर किसी ने ये फिल्म पहले नहीं देखी होती और अगर ये फिल्म पहली बार दर्शकों के सामने जाती तो जाहिर है कि मैं बहुत नर्वस होता, बट थैंक्स टू आमिर सर, हम लोगों ने इतनी प्रतिक्रिया ले चुके हैं हम लोग लोगों की और इतना पॉजिटिव फीडबैक मिला है, इतनी तारीफ़ मिली है कि अभी नर्वसनेस बहुत कम है, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है। लेकिन सर मैं आपको बताऊँ, थिएटर में जब ऑडियंस देखती है ना तो फिल्म की एक अलग ही ज़िंदगी हो जाती है। बिल्कुल। तो उसका मुझे इंतज़ार है, मैं अभी तक नर्वस, मेरा नर्वसनेस अभी तक गया नहीं है, मेरा टेंशन अभी तक गया नहीं है। हम देखते हैं, 23 का इंतज़ार है। हाँ, लोग फिल्म देखकर बाहर निकल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आमिर को फिल्म के लिए ऑस्कर तक मिल सकता है, ऐसी जो प्रतिक्रिया मिली उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे लगता है नितेश जी और मेरे लिए सबसे अहम जो है वो हम जिनके लिए हमने फिल्म बनाई है, जो हमारी ऑडियंस है उनको फिल्म कैसी लगती है, वो हमारे लिए सबसे बड़ा अवार्ड वही हमारे लिए है कि हमारी ऑडियंस को फिल्म अच्छी लगे। बापू सेहत के लिए, डिंग 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 डिंग, बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है, सेहत के लिए तू तो हानिकारक है, हम पे थोड़ी दया तो कर, हम नन्हे बालक हैं, हम पे थोड़ी दया तो कर, हम नन्हे बालक हैं, डिसिप्लिन इतना। Thank you.
ज़्यादा नहीं कर पाती जितना करना चाहती हूँ, लेकिन जब भी टाइम मिलता है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जाकर या और किसी इवेंट में जाकर बच्चों के साथ या बाकी के कैंसर पेशेंट्स के साथ टाइम बिताती हूँ। कोशिश करती हूँ कि कुछ खुशी के पल उनके साथ बांट सकूँ। उन सब से बहुत प्रेरणा मिली है मुझे, बहुत कुछ सीखा है मैंने ज़िंदगी की अहमियत के बारे में, ज़िंदगी की दंगल के बारे में, और अपने आत्मविश्वास से उसे लड़ने और उसे जीतने के बारे में। तो मुझे लगा कि आज जब मुझे मौका मिल रहा है कि दंगल की स्क्रीनिंग है और मैं इसे किसी के साथ बांटूं, किसी के साथ देखूं, तो मुझे लगा कि इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता कि मैं उन पेशेंट्स के साथ या उन सर्वाइवर्स के साथ या फिर उन केयर टेकर्स और वॉलेंटियर्स के साथ इस पिक्चर को देखूं, जिन्होंने सालों साल अपनी लड़ाई से मुझे प्रेरणा दी है। सो विच इज़ वाई ये एक स्पेशल स्क्रीनिंग थी दंगल की, वी केयर के पेशेंट्स और सर्वाइवर्स और केयर टेकर्स के साथ। वो लोग बहुत खुश हो गए इंटरवल के बाद। वो लोग मुझे बोले थे अरे दीदी आप ही हैं पिक्चर में, तो देवर नॉट एक्सपेक्टिंग, उन्हें लग रहा था कि एक पिक्चर दिखाई जा रही है, तो वो बहुत एक्साइटेड थे। और जब पिक्चर ख़त्म हुई तो सबके सब सामने आके दंगल दंगल डांस कर रहे थे और उन्होंने 3-4 पोजेस सीखे हुए थे एंड सबके सब वहाँ पे उन पोजेस को दिखा रहे थे और डांस कर रहे थे। कुछ कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि मैं जब गीता की शादी में उनसे मिली थी तो मैंने उनसे कहा था संघर्ष मैंने किया वो बखूबी कि आपने अपने हाव भाव और अपने अभिनय से अगर मेरे अभिनय की और हाव भाव की बात है तो आई थिंक उसका श्रेय मेरे डायरेक्टर नितेश तिवारी जी और राइटर्स को जिन्होंने इतना खूबसूरत वो कैरेक्टर लिखा, और मेरे सारे सह कलाकारों को जाता है जिन्होंने इतना खूबसूरत अभिनय खुद किया कि मेरा काम अपने आप आसान हो गया। भाई साहब थोड़ा शांति रखिए। अरे सुनिए जी, आप ये ऐसे बात कर रहे हो ना, इतना बात कैसे दे हो रहे हैं। चलिए चलिए आप सुमित जी थोड़ा पीछे। हमने कई लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि फिल्म ऐसी है कि जो ऑस्कर्स तक जा सकती है और ऑस्कर के स्तर की है, आपकी प्रतिक्रिया इस पर? मैं तो इस समय सिर्फ इस पल इस लम्हे को एंजॉय कर रही हूँ, मैं बिल्कुल नहीं सोच रही, मैं कल के बारे में भी नहीं सोच रही।
रिलीज़ को अभी टाइम है, परसों रिलीज़ है और अभी भी टाइम बाकी है, लेकिन मैं इस समय बिल्कुल जब आप मेरे रूबरू हुए हैं आप सब, तो मैं बिल्कुल इस पल को एंजॉय कर रही हूँ। अभी मैं कुछ भी नहीं सोच रही और आप अपनी सोच मेरे दिमाग में ड्रिल नहीं कर सकते। मैं बिल्कुल नहीं सोच रही हूँ, आई रियली होप सो, बट राइट नाउ आई एम एंजॉयिंग दिस मोमेंट। आई एम नॉट टू श्योर इफ इट हैज़ हैपेंड, आई ऑल्सो हर्ड लाइक यू। मैं तो यही कहूँगी कि जब भी कोई अच्छा काम हो और एंटरटेनमेंट के साथ साथ कोई मैसेज भी हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें तो उतना ही अच्छा है। थैंक यू सो मच दंगल। तो दो दिन रह गए, बहुत बहुत शुभकामनाएं फिल्म के लिए और फिल्म अच्छा करे हमारी शुभकामनाएं। साथ ही अगर आप हमारे दर्शकों को नववर्ष की शुभकामनाएं देते, क्योंकि फिर दो दिन बाद आप अपनी वेब सीरीज में लग जाएंगी, तो आप सभी दंगल देखिएगा और मैं चाहती हूँ कि जब तक नया साल शुरू हो तब तक आप लोग कम से कम दो तीन बार देख चुके हों उसे, तो मेरी तरफ से और दंगल की सारी टीम की तरफ से आप सभी को नववर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। लेट्स दंगल। थैंक यू। प्रियंका challenge and putting on the weight was easy and fun. तो weight जब मैं put on कर रहा था तो मुझे मज़ा आ रहा था, लेकिन जब कम करने का time आया तो मुझे लगा मैं नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं इतना मोटा हो गया था, 97 kilos हो गया था और 38% मेरा body fat था, चर्बी जिसे कहते हैं। तो इस दफ़ा मुझे लगा मैं नहीं कर पाऊँगा और
मैं बहुत डरा हुआ था कि होगा नहीं होगा, वक्त पे होगा नहीं होगा, तो खैर हो गया, क्वाइट रिलीव्ड के हो गया। वेल किरण को फिक्र थी और अम्मी को फिक्र थी, मुझे एक्चुअली फिल्म की फिक्र थी और मेरे परफॉर्मेंस की फिक्र थी, मेरे कैरेक्टर की फिक्र थी, तो मैं अपने हेल्थ के बारे में नहीं सोच रहा था, लेकिन जो मेरे लोग नज़दीक हैं उनको मेरे हेल्थ की फिक्र थी। फिल्म हम मेरी हर फिल्म हम टेस्ट करते हैं, टेस्ट ऑडियंस को बुलाते हैं, उनको इन्वाइट करते हैं, तो कई स्क्रीनिंग्स हो चुकी हैं और मुझे लगता है कि जो हम बनाना चाहते थे, जो हम बनाने निकले थे, वो उसके हम काफ़ी नज़दीक आए हैं। और एज ए डायरेक्टर नितेश जी ने जो मुझे नरेट किया था कहानी, जो स्क्रिप्ट नरेट की थी, वो बहुत ही खूबसूरती से वो पर्दे पे ले ला पाए, तो आई एम क्वाइट हैप्पी विद द रिजल्ट ऑफ द फिल्म। प्रीतम ने पूरा एल्बम दे दिया है, अभी लेट किया हुआ मैंने इस पर। आई थिंक प्रीतम को आप लोगों ने खामोखा बदनाम कर दिया यार, वो हमारे साथ तो बहुत ही हर चीज़ टाइम पे कर रहे हैं और पूरा टाइम दे रहे हैं हमको। आजकल हम लोग साथ में बैकग्राउंड कर रहे हैं, तो मुझे तो कभी ऐसा नहीं लगा कि प्रीतम ने हमको लेट किया या हमको टाइम पे कुछ नहीं दिया। ही इज़ वेरी इन्वॉल्व, वेरी पैशनेट, और वो बहुत ही मतलब मज़े से काम करते हैं, उनके साथ काम करके बड़ा मज़ा आया मुझे। वेल हम लोग एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखेंगे गीता बबीता महावीर जी उनके पूरे परिवार के लिए, तो उनको हम न्योता देंगे कि वो बम्बई आएँ और हमारी फिल्म देखें, जैसे ही तैयार होती है हम उनको न्योता देंगे। अभी पोस्ट प्रोडक्शन का काम चल रहा है, तो दैट इज़ गोइंग टू बी द स्पेशल स्क्रीनिंग। आई वुड लव टू शो टू सुशील, क्योंकि सुशील जी आए थे हमारे शूटिंग पे और मैंने उनसे कहा था वो टाइम पे कि मुझे आप जैसी बॉडी बनानी है, तो वो मुझे देख के मुझे लगता है उनके मन में था कि ये बोलते रहा है कभी पहुंचेगा नहीं है। इतना मोटा था वो टाइम पे, और बट आई वुड बी वेरी हैप्पी टू शो सुशील द फिल्म बिकॉज नाउ यू नो ही कैन सी दैट मैं ट्रांसफॉर्म, मतलब, और मेरे लिए मैंने उनको अपना गोल रखा था कि उनकी जैसे फिजिक है। हाँ भाई, मुझे खुशी तो नहीं है कि मैं सिगरेट पीता हूँ और कोशिश तो मैं करता हूँ कि मैं नहीं पीऊँ, लेकिन जब मेरी रिलीज नज़दीक आती है तो मुझे बहुत फिक्र होने लगती है, बहुत टेंशन होने लगता है, तो फिर मैं शुरू कर देता हूँ, फिर मैं बंद भी कर देता हूँ। तो आपको लगता है कि स्मोकिंग और ड्रिंकिंग से ऐसा? मुझे लगता नहीं कि स्मोकिंग से एक्टिंग पे कुछ फ़र्क पड़ता है, उसमें स्टैमिना पे फ़र्क पड़ेगा, आपके हेल्थ पे फ़र्क पड़ेगा, आपकी हेल्थ ख़राब होगी, तो मैं तो सभी को कहता हूँ कि स्मोक ना करें, और मैं भी कोशिश करता हूँ कि मैं ना करूँ। मैंने वो ऐड देखा नहीं, कौन से ऐड की बात कर रहे हैं? मैंने देखा नहीं। टीवी पे तो मैं नहीं जा रहा हूँ प्रमोशन के लिए, हमारे एड्स आ रहे हैं टीवी पे, हमारे प्रोमोज आएंगे वगैरह, लेकिन किसी शो पे तो मैं नहीं जा रहा हूँ। नहीं, आई डिडंट डिस्कस विद हिम, आई हैड अ वेरी गुड कोच विद अस, कृपा शंकर जी जो हमारे कोच, उनके बारे में बताऊँ आपको, कृपा शंकर जी जो हमारे कोच रहे हैं वो नेशनल लेवल के कोच हैं, और उनका बहुत कमाल का कंट्रीब्यूशन है फिल्म के अंदर, जिस तरह से उन्होंने हमको रेसलिंग सिखाई, जिस तरह से उन्होंने सारी रेसलिंग के बाउट्स कंपोज किए, तो कृपा जी इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड हिज कंट्रीब्यूशन इज़ वेरी बिग टू आवर फिल्म। ये लुक जो अभी आप देख रहे हैं, दाढ़ी वाढ़ी बड़ी हुई है, ये जो मैं अगली फिल्म कर रहा हूँ ठग्स ऑफ हिंदुस्तान अमित जी के साथ, तो उसकी तैयारी है ये, मतलब ये लुक फाइनल अभी नहीं कह सकता हूँ मैं, लेकिन इस वक्त मैं दाढ़ी बढ़ा रहा हूँ, बाल बढ़ा रहा हूँ, तो कहाँ जाके वो फाइनल लुक क्या होगा वो तो 2 महीने बाद पता चलेगा। आमिर, जब आप वेट, आमिर जब आप, हमने अभी अंदर देखा कि बहुत जबरदस्त तरीके से मशक्कत कर रहे थे आप, हाँ, जब वेट लॉस कर रहे थे, हाँ, कोई एक ऐसा इंस्पिरेशन जो आपके सामने मतलब हो कि हाँ मेरे को लॉस करना है वेट और 5 महीने बहुत बहुत कम हो गए? मेरे सामने वो मैंने कहा ना सुशील कुमार जी थे जी, क्योंकि वो भी रेस्लर हैं, उनकी बॉडी बहुत ही कमाल की फिजिक है उनकी, तो उनको देखकर मैंने सोचा कि मुझे ऐसा लुक चाहिए फिल्म के अंदर। हाँ?
called by the opposition today? You know, I don't want to get into political situations. Regarding the demonetization, I hope it doesn't affect the film. I think things are slowly getting back to normal. And hopefully, I think even the films that I've released, I think Rock On did get affected because it was right at that time. But Dear Zindagi has done quite well, I believe. 2 crores in 3 days. Yeah, so I think that it's, hopefully it won't affect the films. Amir Elah Gilani has also asked you to postpone. Haan. No, no, I'm sure he'll love to promote my film. I also love to promote his films. So, and I'm dying to show it to him also. वो तो रोल पे डिपेंड होगा. रोल अगर रोल की रिक्वायरमेंट है तो जो जो कैरेक्टर का जो किरदार का जो रिक्वायरमेंट है वो मैं करूँगा. Yeah, I'm planning to because after I finished shooting for Dangal, it was so tiring that I let go a little bit. So I'm going to cut down on my fat. I mean, I'm not 38% now, but I want to get to 9% body fat. But I don't want to be muscular. In Thugs, my look is not a wrestler's physique, big, you know, shoulders and back. It won't be that big. I want a more lean look. Yeah. Kailash Nilani has asked you to postpone Dangal, in keeping in mind. He has not asked me. But I mean, he's I never got any call from him. What is the answer certificate that you are expecting from the CBC? Sorry? UA or U? I think it's a universal film. Hamari jo film hai, wo bahut hi family film hai. Bachchon ke bare mein hai, bachchon ke liye hai. Aur ek parivar ki kahani hai, to it's a pure parivar ke liye hai. Aur hamare hisab se to U film hi hogi ye. Amit sir, we saw you went through a rigorous workout process for to lose this weight. To kaun se body part pe aapko matlab workout karne mein zyada tiring lag raha tha? Kaun sa body part? देखिए सबसे जो टफ मुझे लगता है वो लेग्स हैं. लेग्स में जो स्क्वाट्स करना पड़ता है ना वो जान ले लेता है. तो स्क्वाट्स इज़ द टफेस्ट फॉर मी. लेग्स इज़ द टफेस्ट वर्कआउट फॉर मी. मूवी पायरेसी को जो हम नॉर्मली करते हैं हम वी ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू कर्ब इट. तो हम इस दफा भी सारी पूरी कोशिश करेंगे. आमिर शाहरुख खान ने कॉफी विद करण में कहा था कि अगर मतलब करण ने उनसे पूछा था कि आपका ऐसा कोई रोल है जो आपने पिक्चर किसी पिक्चर में देखा और आपको करना, तो ही सेड ही वांट टू बिकम अ फोर्थ इडियट. अगर सीक्वल बनेगा उनका तो ही वांट टू बिकम फोर्थ इडियट विद यू. सो व्हाट यू वांट टू? दैट्स लवली. आई वुड लव टू वर्क विद शाहरुख. आई वुड लव टू वर्क विद शाहरुख. थैंक यू सर. थैंक यू. चलो आराम से भाई फोन को check test.
अच्छा ये लाइट्स ऑन करो ना, अरे लाइट्स ऑन करो, अच्छा सेंटर में जो लोग खड़े हैं बैठ जाएं या साइड में हो जाएं। Guys, settle down, settle down, settle down. Come here, Faridun. Arre bhai. Very, very warm welcome to all of you. Aap log aaye, bahut bahut shukriya. Aaj आप अपने बच्चों के साथ आए, सारे बच्चों को बहुत बहुत प्यार हमारी तरफ से। सब बच्चे हाथ उठाओ, कितने बच्चे हैं यहाँ पे? वाह सुपर्ब यार। तो आप लोगों को एडवांस में चिल्ड्रंस डे की मुबारकबाद, बाल दिवस की शुभकामनाएं सभी को। और ये हमारी फिल्म जो है दंगल, इसका ये पहला गाना हम दिखा रहे हैं आप लोगों को, और ये खास बच्चों के लिए। यहाँ पे कितने बच्चे हैं जिनको लगता है कि हमारे पापा जो है बहुत स्ट्रिक्ट, बहुत स्ट्रिक्ट पापा है? बिंदास हाथ उठाओ, पापा इधर नहीं है। मदर्स आर मोस्ट स्ट्रिक्ट, हाँ मदर इज स्ट्रिक्ट और पापा इज स्ट्रिक्ट, मदर। तो ये गाना खास सारे बच्चों के लिए। जब छोटा था मुझे लगता था मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट हैं और बहुत हिटलर टाइप के एकदम स्ट्रिक्ट। तो ये गाना सारे बच्चों के लिए जिनको लगता है कि मेरे पापा जो हैं वो मेरी सेहत के लिए हानिकारक हैं। Let's play the song. अरे वाह क्या बात है। So guys, I want you all to meet. मैं अभी मिलाना चाहता हूं आप लोगों को कि जो मेरे फिल्म में जो मेरी बच्चियां हैं, सुहानी कम, ये सुहानी है। Guys, say hi to सुहानी। और ये जायरा, कम जायरा। एंड द पर्सन जिन्होंने कहानी लिखी है, फिल्म डायरेक्ट की है, नितेश जी आइए। सो गाइज, नितेश जी और मुझसे तो आप लोग पहले भी मिले, लेकिन ये दो लड़कियां जो हैं ये बहुत ही कमाल की हैं और इनसे आप पहली दफ़ा मिल रहे हैं। और फिल्म देखेंगे तो आप इनका काम देखेंगे, बट they've done a really wonderful job. And I want to know from you all actually कि आप लोगों को गाना कैसे लगा? हाँ सिंगर्स का नाम सर क्या? मांगा बॉयज। मांगा बॉयज राजस्थान से हैं, दो छोटे बच्चे हैं, उन्होंने गाए। सॉरी सॉरी, थैंक यू किड्स। You want to ask any questions? Ah, what is your question? Hi, my name is Mitra Gumawat. Hi, Mitra. I every year change my plan. When I was small, I wanted to be an actor. When I was 5 years old, I wanted to be an astronaut. Now I want to be a cricketer. Means what do you wanted to become when you were a small child? Oh. When I was a small child, I wanted to become big. That's all I wanted to become. I used to feel that I want to grow up fast. But after growing up, I realized that no, I was better off as a child. But now I can do nothing to change it. So enjoy your life. Thanks. And no matter what you choose to become, I wish you all the very best for your life. Hello, hello Amit, this Hi. Is Arunima from ETV. Hi. I would like to ask you two questions.
देयर इज अ थिंग इन द ट्रेलर, देयर इज अ लाइन, बेटा जीते बेटी जीते गोल्ड तो गोल्ड ही होता है. यू बिलीव इन दिस, दैट्स व्हाई यू आर इन द फिल्म. डू यू थिंक द सोसाइटी नाउडेज टू बिलीव्स इट, दैट बेटा जीते बेटी जीते एक ही बात है. And another thing I would like to ask you, you are a very cricket fan, you are a cricket buff. I know that you like sports so much. These minor sports are getting importance in Bollywood and henceforth becoming popular. How you see it? Well, मैंने तो हमेशा ये माना है कि लड़की और लड़के में कोई अंतर नहीं होता है. हमेशा से मैंने ये माना है. और जिस तरह से हमारी परवरिश हुई है हमारे घर में, जो मेरी दो बहनें हैं और मेरा एक भाई, हम चारों हमें एक जैसा ही व्यवहार मिला. और आई थिंक के धीरे धीरे और समाज में भी लोगों को ये बात महसूस हो रही है, रियलाइज़ हो रही है. हम इस साल देखें ओलंपिक्स में तो जो हिंदुस्तान के लिए मेडल जीते वो दोनों महिलाएं ही थीं. तो धीरे धीरे समाज में ये बात समझ में आ रही है लोगों को कि कोई अंतर नहीं होता और ये अच्छी बात है. जहाँ तक स्पोर्ट्स का सवाल है, फिल्मों में वो तो कहानी पर डिपेंड होता है. मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन अभी कुश्ती सीखने के बाद मैं कुश्ती का फैन हो गया हूँ. हाय आमिर, दिस इज उर्वी हियर फ्रॉम पिंकुला. हाय हाय आमिर, इन रियल लाइफ आर यू अ हानिकारक बापू? आई वुड लाइक टू बिलीव आई एम नॉट. आई वुड लाइक टू बिलीव दैट आई एम अ वेरी लविंग एंड इंडल्जेंट फादर. बट वो ये सवाल आपको मेरे बच्चों को पूछना पड़ेगा. मुझे लगता है मैं बड़ा अच्छा बापू हूँ, हो सकता है बच्चों को कुछ और लगे. आप लोगों क्या लगता है? हाँ आमिर, फ्रॉम द डेज ऑफ द चॉकलेट बॉय, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, टू बिकमिंग हानिकारक बाप योरसेल्फ, डू यू फील लाइक यू नो यू कम अ फुल सर्कल, और लाइक डिड दैट एवर अकर टू यू? बिकॉज वॉचिंग द सॉन्ग इट मस्ट हैव अकर टू अ लॉट ऑफ अस. नो, इट्स नॉट अकर टू मी. Actually, I don't look at things in such a wide sweep. I live in the present. Right. And what I'm doing now is central to me. Right. So I don't really connect it to other stuff. So I don't look at it that way. Right. And Aamir, whenever people speak of Dangal, it's being spoken of as the biggest film yet, as the film that's going to shatter all the records. Is that something that you've heard? And people who've watched it already have also said the best film in 20 years is something we're all hearing. You know, I don't think either Nitish or I wanted to break any records, and that's not why we were making this film. Ye kahani hai jo humko bahut pasand aayi hai, aur hame badi khushi hogi ke jab log dekhein is film ko, unke dil ko ye film chhu le. Hame उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है. और आई थिंक दैट रिकॉर्ड्स विकॉर्ड्स का तो मुझे पता नहीं. आई जस्ट फील कि आई एम हैप्पी कि जो हम फिल्म बनाने चले थे सर, वो हम बना पाएँ. मतलब व्हेन आई सी द फिल्म टुडे, जो नितीश जी ने मुझे नरेट किया था, और आज जब मैं फिल्म देखता हूँ तो मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत ही खूबी से जो स्क्रिप्ट थी उन्होंने पर्दे पर उतारी है. और ये फिल्म लोगों को पसंद आया, उनके दिल को छू ले, यही हम इसी से हम खुश होंगे. हेलो सर. हेलो सर. हाँ जी. हाँ जी. हेलो सर. इधर इधर इधर. कहाँ यार? सर इधर. ओह अच्छा अच्छा. हाँ आप उसके पीछे छुपे हो. सर किशन, सर आपको हाल ही में कुछ दिक्कतें आई क्या? 500,000 के नोट बंद हुए तो. मेरे पास पैसे रहते नहीं है, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा. नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा. फॉर्चुनेटली मैं अपने सारे टैक्सेस देता हूँ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा. आमिर सर, मेरा क्वेश्चन है ना सुहाना मैम के लिए. सुहानी मैम. हेलो. हेलो सुहानी मैम, माय नेम इज आल्सो सुहाना एंड माय पापा कॉल मी सुहानी आल्सो, तो आई लाइक सुहानी ओनली. सो माय क्वेश्चन इज, ये आपने इतना सब कुछ कैसे किया, ये रनिंग एंड ऑल यू डू, हाउ? एक्चुअली वी वर इन बॉम्बे 6 मंथ्स ट्रेनिंग एंड ऑल द क्रेडिट गोस टू आवर ट्रेनर्स हु हैव नो बहुत अच्छे से उन्होंने हमें ट्रेन किया है. सो as I was saying that they have trained us very well and we have very really worked hard. So I just wanted to thank sir and Amir sir for just giving us this opportunity so that we can prove ourselves to everyone. Thank you. Beta, mera aap dono se sawal hai, dono bachon se. Mera naam Alok hai, aapke left mein corner. Oh. On set kaise the आमिर खान साहब आप दोनों के साथ?
उन्होंने कान बंद कर लिया, अब आप बता सकते हैं दोनों. स्ट्रिक्ट थे? नहीं. क्या खूबी आपने पाई इनके अंदर? लाइक एज वो अपने रोल में थे हानिकारक पापू, बट बिहाइंड द सीन्स ही वाज जस्ट अपोजिट टू दैट. सो ही वाज वेरी केयरिंग, वेरी सपोर्टिंग, एंड किसी भी पॉइंट पे ऐसा नहीं लगा दैट ही इज यू नो लाइक वेरी रूड और एक्टिंग एज एन एक्टर. So he was very nice to everyone on the crew, everyone. Not even a single person would feel, you know, like isolated or anything. But he was very nice to everyone, and he's very encouraging, I would say. And even if he's hanikarak, there's a reason to it. reason kya tha wo? Nahi, matlab main off screen bhi achhi acting karta hu. Yeah. Amir, aapse ek aur sawal hai ki, acha haan, boliye please. That only. अगर वो हानिकारक है, there's a reason to it. He has a point. और वो हमारी betterment के लिए ही हानिकारक. आमिर wants his kids to rise, no? So for that. किसी का speaker की तरफ mic है, इसलिए आवाज आ रही है. आमिर, आपसे मेरा सवाल है कि फिल्म के गाने में कई सारी lines हैं, जैसे तुझसे तो बेहतर हिंदी फिल्मों के खलनायक हैं, बापू तू हानिकारक है. आपका पर्टिकुलर कोई फेवरेट लाइन है जो सुना हो आपने? हाँ, इसमें आई थिंक मेरा फेवरेट लाइन वही है. वो दो लाइन है मेरी फेवरेट. एक तो तुझसे बेहतर तो हिंदी फिल्मों के खलनायक हैं, और दूसरा के क्या, फिर भी खुश ना हुआ मगैम्बो, हम तेरे बलिहारी. हाँ नहीं, लेकिन ये इसमें बहुत अलग है. हमें रही प्यार के में जो किरदार था वो थोड़ा भोला टाइप का था, उसको समझ में नहीं आ रहा है बच्चों को. उसको समझ में नहीं आ रहा है मैं बच्चों की कैसे देखभाल करूँ, उनकी परवरिश कैसे करूँ. यहाँ महावीर जो है वो बहुत ही क्लियर है उसको क्या करना है. तो हाँ, हमें रही प्यार से काफ़ी अलग है. हाँ, मेरी बात नहीं हुई, मेरी बात नहीं हुई. आई होप देखी होगी उसने टेलर. हाय आमिर, दिस इज हीना कुमावत. हाय हाय. जैसे कि इसमें गाने में लाइन है कि बापू से अच्छे तो हिंदी फिल्मों के खलनायक है, जब आप बच्चे थे तो आपको अपने पापा या मम्मी के लिए कभी ऐसा फील हुआ? हाँ, मेरे पापा के साथ मुझे हमेशा ऐसा फील होता था. ऐसा अब्बाजान? हाँ, अब्बाजान वॉज वेरी स्ट्रिक्ट विद अस, वेरी स्ट्रिक्ट. आई मीन ही वॉज वेरी लविंग ऑल्सो, बट उसके साथ साथ स्ट्रिक्ट भी बहुत थे. तो हम बच्चे हमेशा बहुत डरते थे उनसे. तो एक्चुअली ये गाना हमारे हम चारों बच्चों पर परफेक्ट सूट होता है, क्योंकि जैसे ही घंटी बजती थी घर की नितेश जी, तो हम लोग ऐसे चूहों की तरह भागते ना बिल में, तो पापा अब्बा जान आ गए हम लोग छुप जाते थे कमरे में. तो वी वर वेरी स्केर्ड ऑफ हिम एंड बट ही वाज वेरी लविंग आल्सो, बट वी यूज टू फील कि ये खलनायक टाइप के हैं. हाय नितेश. हाँ जी. ओके, यस प्लीज. हाँ, सुनाई दे रहा है, पूछिए. I don't choose my subjects, mostly my subjects choose me. तो honestly मैंने इतना कभी ध्यान नहीं दिया कि इतना strongly बच्चे क्यों feature करते हैं. Maybe I think it's destiny or I don't know. Ji. देखिए, मैंने फिल्म बनाई थी तारे ज़मीं पर, और तारे ज़मीं पर जब हमने फिल्म बनाई तो हमने बहुत कुछ रिसर्च किया और काफ़ी एक्सपर्ट से बातचीत की. तो उससे जो मुझे समझ में आई ये बात, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि बच्चों जो है ना, उनको सबसे जो ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो है प्यार. एक सपोर्टिव पेरेंट
जो उन पर भरोसा करे, जो उनको सिक्योरिटी दे. तो ये सारी चीज़ें, मतलब मुझे लगता है कि बच्चों के साथ प्यार मोहब्बत से रहिए. मैं एज अ फादर मैं इतना स्ट्रिक्ट नहीं हूँ. आमिर, आपने आपने ईद के बारे में तो कई दफ़े जिक्र किया है, लेकिन चिल्ड्रंस डे आपका कैसा रहता था बचपन में? चिल्ड्रंस डे तो मुझे याद ही नहीं रहता था. हम लोग नहीं मनाते थे स्कूल में. कभी ऐसा स्कूल में छुट्टी उट्टी मिल जाती थी, खुश हो जाते थे. हाँ जी 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 जी, नहीं सुनते नहीं सुनते. देखिए वो तो अलग अलग इंसान के नेचर पे होता है. कुछ बच्चे जो हैं वो बहुत ही माँ बाप की बात सुनते हैं, कुछ थोड़े रेबेलियस होते हैं. मैं काफ़ी रेबेलियस था. तो हर किस्म के बच्चे होते हैं. मेरा ये मानना है एज अ पेरेंट कि मैं अपने बच्चों को कभी फोर्स नहीं करता. एक सेकंड होल्ड करना भाई. हाय आमिर. वन सेकंड उनको सेटल हो जाने से. अरे क्या कंफ्यूजन हो रहा है, सब लोग साइलेंट हो जाओ. हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन. जी जी जी. कौन सा लास्ट सीलिंग मतलब? ग्लास सीलिंग. अच्छा 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 अच्छा. हाँ या Well, it's a time of change. I think a lot of things are changing, and that is how life is. I think that is how humanity is. We constantly struggle to try and get better. Yeah. Sure. I don't look at girls and boys differently like this. I think, you know, we're all human beings and each one of us individually has our own strengths and weaknesses. I don't look at this differentiation between boys and girls. Hi, Amir. She spoke about the glass ceiling, just taking off from there. We've not spoken to you since Trump won. How did you feel about the American elections results? लॉन्ग कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन. हम लोग आज चिल्ड्रंस डे की बात कर रहे हैं. लेट्स स्टे इन दिस एरिया. हाँ दिस बॉय वॉन्ट्स टू आस्क समथिंग. सिट डाउन. या इन द फिल्म आई वॉन्ट टू मेक द चिल्ड्रन पहलवान्स. वाई? बिकॉज इन द मूवी आई हैव अ ड्रीम के माई ड्रीम वॉज कि मैं इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीतूं. ये मेरा सपना था जो मैं पूरा नहीं कर पाया. तो मेरी जो बच्चियां हैं वो ये सपना पूरा करती हैं. क्या आप मुझे मोटा बोल रहे हैं? हाय आमिर. बड़े पोलाइट हैं आप. हाय आमिर, रवि फ्रॉम एबीपी न्यूज. मैं जानना चाहूंगा कि अक्सर जो बच्चे होते हैं वो माँ बाप से बहुत कुछ सीखते हैं, बड़ों से सीखते हैं. आपने रियल लाइफ में अपने बच्चों से क्या सीखा, और जब फिल्म की शूटिंग कर रहे थे जो रियल बच्चे हैं जो फिल्म में आपके बच्चे बने, उनसे कुछ सीखने को मिला, कुछ ऐसी अंडरलाइन कर सके आप कोई बात? इनसे तो बदमाशी मुझे सीखने को मिली. बहुत बदमाश हैं ये दोनों. और वैसे बच्चों से तो बहुत कुछ हम सीखते हैं, हर रोज हम सीखते हैं बच्चों से. उनकी जो क्यूरियोसिटी है, जो उनका इनोसेंस है,
जो उनका जहन है, किस तरह वो सोचते हैं. सो या यू लर्न एवरी डे फ्रॉम योर चिल्ड्रन. अच्छा, एक सवाल छोटा सा और, अभी हालांकि आपने छोटा सा जवाब दिया है कि आपको पैसों की दिक्कत नहीं हो रही इन दिनों, लेकिन जो डीमोनेटाइजेशन है उसको लेकर कोई आपकी सीरियस राय होगी कि चिल्ड्रंस डे का क्वेश्चन है ये? नहीं, चिल्ड्रंस डे का क्वेश्चन पे रखते हैं हम लोग आज. हाँ, इन द ट्रेलर, इन द ट्रेलर. हाँ हाँ हाँ. एक्चुअली मैं आपको या जब हमने ये जब कहानी हम लोग ने सुनी और हमने डिसाइड किया कि हम ये फिल्म बनाएंगे, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए ये थी कि जो बच्चियां हैं फिल्म के अंदर, हमको वो बहुत ही कमाल की लड़कियां चुननी हैं जो मेरी डॉटर्स प्ले करेंगी, क्योंकि कहानी इतनी उन पर डिपेंडेंट है, वो इतना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इस फिल्म में. तो अगर हमको लड़कियां बच्चियां सही नहीं मिलती तो हम ये फिल्म नहीं बना पाते. तो करीबन हमको 8 महीने लगे सर कास्टिंग में. हाँ, करीबन 8 महीने लगे हम लोगों को कास्टिंग में, और देश भर में हमारे कास्टिंग डायरेक्टर ने अपनी टीम्स दौड़ाई, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, हर जगह हमारी टीम्स गई कास्टिंग के लिए. और बहुत ही मतलब मेहनत के बाद हमें ये 4 हीरे मिले हम लोगों को. मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, जब आप फिल्म देखेंगे आपको रियलाइज होगा. हाँ, हमारे ऑडिशंस 3 महीने चले, फिर उसके बाद लड़कियाँ चुनी गई, फिर उनको रेसलिंग की ट्रेनिंग दी गई 2 हफ्ते, ये देखने के लिए कि ये कर पाएंगी नहीं कर पाएंगी. रेसलिंग इजी नहीं होती, तो एक्टिंग तो अच्छी कर लेती हैं, रेसलिंग कर पाएंगी कि नहीं कर पाएंगी. तो ये बहुत ही रिग्रेस प्रोसेस था हमारा कास्टिंग का. और उसकी वजह ये है कि ये इतने इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं इस फिल्म के अंदर कि इनका सही होना बहुत ज़रूरी था, बहुत ही ज़रूरी था. सो वी वर वेरी लकी टू फाइंड दीज 4 गर्ल्स, ज़ायरा, सुहानी एंड फातिमा एंड सानिया, ऑल 4 ऑफ देम, दे हैव डन आउटस्टैंडिंग वर्क. मतलब अगर मैं अपने काम को रेट करूँ तो इन्होंने मुझसे 10 गुना बेहतर काम किया है, और मैं 25 सालों से काम कर रहा हूँ, ये उनकी पहली फिल्म है. ओके ज़ायरा, कितना प्राउड मोमेंट है, मोमेंट था द मोमेंट यू केम टू नो. अच्छा, उनको लौटने दो यार बेचारी, 2 सेकंड रुक जाओ. अरे यहाँ बीच में से थोड़ा जगह देना. Come, come, please come, please come. Sit here. Shweta ji, आइए. हाँ, जोई जी, जोईता जी. यहाँ बैठी. आप लोग बाहर क्या कर रहे थे? कैसे बैठेगा? जाएगा बताओ. ओह अच्छा. Anybody wants to come here in the front? अरे बीच में गैप छोड़ा ना यार. अरे गैप छोड़ा. Oh, your daughter. Hello. Hi. हाँ. ज़ायरा. हाँ, ज़ायरा को कोई पूछ रहा था. Yes, yes, here. Here, Amir sir. Here, on your. हाँ, yeah.
जायरा और सुहानी आप दोनों से जानना चाहूंगा, यू नो जैसे आमिर साहब ने बताया इतना लंबा प्रोसेस, पूरी जगह ऑल ओवर इंडिया यू नो कास्टिंग के लोग ढूंढ रहे थे, खोज रहे थे जो ये किरदार निभा सकें। जब आप दोनों को ये पहली बार पता चला, यू नो गॉट यू मस्ट अ कॉल फ्रॉम द प्रोडक्शन हाउस कंफर्मिंग दैट यू आर पार्ट ऑफ इट, व्हाट इज योर फर्स्ट रिएक्शन एंड हाउ योर फैमिली रिस्पोंडेड टू दिस? आई टेल यू व्हाट माय मदर सेड टू मी, आई गॉट बैक फ्रॉम स्कूल एंड दिस इज बिफोर आई हैड गॉन फॉर द ऑडिशन, आई जस्ट गॉट अ कॉल फ्रॉम द कास्टिंग पीपल एंड दे कॉल्ड के ऐसे एक मूवी है उसके ऑडिशन है एंड आई डिडंट नो एनी ऑफ दिस एंड आई केम बैक होम फ्रॉम स्कूल and as I enter the room I see my mother sitting in front of me and she's just looking at me, she's not saying anything, she's just looking at me like this okay so the one who casted us he's Mukesh Chhabra, so she told me that someone from his office called and I was like okay, and then she was like audition ke liye bhula hai, like okay, then she said आमिर खान के साथ मूवी है एंड अगेन शी गेव मी दिस लुक, डू यू डिजर्व दिस एंड आई वाज टेकन अबैक फॉर अ व्हाइल एंड इट टुक मी सम टाइम टू कम टू द फैक्ट ओके फाइन आई हैव बीन कॉल्ड, सो आई वेंट देयर एंड एज आई एंटर्ड द रूम आई सी पीपल, आई सॉ सम 20 और सम आई डोंट नो अ लॉट ऑफ गर्ल्स वर सिटिंग देयर एंड आई वाज लाइक नहीं हो पाएगा कोई चांस नहीं है, बट सम हाउ मैंने ऑडिशन दिया, वो बहुत लंबा चला और फिर आई गॉट बैक होम, उसके कुछ एक दो महीने तक कोई कॉल नहीं आया एंड आई हैव गिवन अप कि कुछ नहीं होने वाला है, बट व्हेन दे एक्चुअली कॉल्ड मी एंड टोल्ड मी दैट ओके फाइन यू आर द वन वी हैव कास्टेड, आई आस्क्ड देम 5 times आर यू श्योर, हैव आई बीन शॉर्टलिस्टेड और हैव आई बीन एक्चुअली कास्टेड फॉर दिस, सो दैट्स हाउ द जर्नी बिगैन. Suhani. So actually, first I gave an audition in Delhi because I am from Delhi. So I gave an audition there. So after that, when I came out, my mother said, "Kaisa hua?" मैंने बोला, मम्मा, मैंने अपना best दे दिया, बस बाकी तो सब भगवान के ऊपर है. And then my mother was regularly asking father. कि कॉल आया. देन वन डे सीरियसली द प्रोडक्शन गाय कॉल्ड एंड ही सेड योर डॉटर हैज़ बीन शॉर्टलिस्टेड एंड यू हैव टू गो टू बॉम्बे एंड आई वाज रियली सरप्राइज्ड एंड आई वाज सो हैप्पी, आई थैंक टू गॉड एंड आई वाज रियली हैप्पी एंड देन वी हैड some scenes with Amir sir at Mukesh Chhabra's office, so there also I was really excited and I was really like I had never worked with someone so perfectionist and so much so much of skill and beta kar kar diya sir nahi but it was very difficult so now actually then they finally told that you have been casted to this and it's an honor and it's a pleasure working with such a great actor. Thank you. Dikha do aunty aaiye ye aapko bhi dikhayenge utha ke. Amir aapke bachpan ka naam kya tha, nickname kya tha? Mera ammu ha, lekin ammu mujhe bahut kam log bolte the. मेरी ग्रैंडमदर मुझे अम्मू बोलती थी और ज्यादातर जैसे अम्मी जो है वो मुझे आमिर ही बोलती थी. सॉरी मतलब मुझे कभी कभी मुझे लगता है कि मैं अभी तक बड़ा नहीं हुआ, मुझे लगता है ये मुझसे ज़्यादा बड़ी हो गई है ये दोनों. एक्चुअली
कभी नहीं कहा मैंने, समझ गए आप, जवाब मिल गया आपको, जवाब मिल गया आपको। एक्चुअली कुश्ती जो है वो बहुत ही एक पुराना खेल है, बहुत ही हिंदुस्तान में ये सदियों से चला आ रहा है और इसलिए इतना लोकप्रिय है, लोग ज़मीन से जुड़े हुए हैं इस खेल के साथ। तो हमें खुशी है कि हमें इस पे एक फिल्म करने का मौका मिला है और वो जो एक बिरादरी है पहलवानों की उसमें भी हम एक छोटे तरीके से हमारी भी एंट्री हुई है उसमें। ओके आमिर, वासनी फ्रॉम IVN 7। या सो दैट माय क्वेश्चन इज कि जैसे मूवी में ये दिखाया है कि आपने अपना सपना अपने बच्चों के थ्रू पूरा किया, वो आपका मूवी में पूरा वो था, बट इन रियल लाइफ अगर मैं आपसे पूछूं जो पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका सपना वो अपने बच्चों में देखना चाहते हैं और वो बच्चे नहीं पूरा कर पाते, वो ज़बरदस्ती थोपते, तो आपका इस पर क्या टेक है? नहीं, मैं ऐसे बिलीव नहीं करता हूँ। मुझे लगता है कि जो बच्चे हैं उनके सपने अपने अपने होने चाहिए और हर बच्चा जो है उसका सपना जो है वो खास होता है, हमें सपोर्ट करना चाहिए उनको, ये मैं मानता हूँ, लेकिन कहानी मेरे बार ऊपर नहीं है। नहीं, उस वक्त समझ नहीं होती, लेकिन वो अपना टटोलते हैं और हम उनको सपोर्ट करें, धीरे धीरे वो भी समझ जाते हैं, रास्ता ढूंढ लेते हैं, हम उनको हेल्प करें रास्ता ढूंढने में, ना कि उनके लिए हम रास्ता चुने। अमित, आपने अपना, ये मेरा पर्सनल मानना है। बच्चों पे हाँ कम फिल्में तो बनती हैं, इतनी नहीं बनती ज़्यादातर, क्या लगता है सर? एक्चुअली दे आर वेरी लिटिल फिल्म्स, वेरी लेस नंबर ऑफ फिल्म्स व्हिच गेट मेड ऑन किड्स एंड इवन फॉर किड्स। फॉर किड्स, यस फॉर श्योर, आई मीन यू कैन रियली काउंट देम ऑन योर फिंगर्स। मुझे लगता है हाँ, ये मुझे खुशी होती है अगर हम हमारे फिल्म इंडस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा फिल्में बनाएं बच्चों के लिए और बच्चों के ऊपर। अभी जो बच्चे जो हमारी फिल्में देखते हैं वो एक्चुअली उनके लिए नहीं होती, वो बहुत सारी फिल्में होती हैं जो उनके लिए सही नहीं होती हैं, लेकिन अब देख लेते हैं और कोई फिल्म बच्चों के लिए खास बनती नहीं हमारे यहाँ इतनी, तो मुझे खुशी होगी अगर ये हम ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में बनाएं जो जिसको हम फैमिली फिल्म बोलते हैं, जैसे अभी दंगल है, इट्स अ फैमिली फिल्म, यू नो योर चिल्ड्रेन कैन कम एट एनी एज एंड वॉच द फिल्म, तो ऐसी फिल्में और बननी चाहिए। पता नहीं, क्योंकि हमने तो हिंदुस्तान के लिए फिल्म बनाई है, इतना मैंने सोचा नहीं विदेश के बारे में। आमिर, जस्ट रीसेंट थिंक कि सिर्फ एनी स्टोरी व्हिच हैज अ यूनिवर्सल अपील, आई थिंक शुड अपील टू पीपल ग्लोबली। हां, आई थिंक सो, इट्स नॉट रियली दैट। फिल्म जब अच्छी होती है तो फिर वो उसका कोई लैंग्वेज उसकी नहीं होती। हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं, नहीं बनी ना लगान, अच्छी फिल्म थी, 15 साल पहले थी, बुरी फिल्म नहीं थी लगान। आमिर, जस्ट रिसेंटली ड्यूरिंग द काबिल दिस थिंग ट्रेलर लॉन्च, राकेश रोशन वाज ऑल प्रेजेस फॉर यू एंड ही वाज सेइंग कि आजकल ट्रेलर ऐसे बनते हैं जो समझ में नहीं आते, लेकिन आमिर खान की फिल्म का ट्रेलर देख के स्टोरी समझ में आ जाता है, तो इस बारे में आपको? वेल, आई एम वेरी हैप्पी टू हियर दैट बिकॉज आई हैव बीन अ बिग फैन ऑफ राकेश जी फ्रॉम हिज फर्स्ट फिल्म, एंड इनफैक्ट उनकी पहली फिल्म मेरे फादर के लिए थी जो उन्होंने की थी, मदहोश उस था उसका नाम था। तो मैं उनको बचपन से देखता आ रहा हूँ, तो मुझे बड़ी खुशी हुई उनको ये ट्रेलर इतना पसंद आया, एंड ही इज़ अ वेरी लवली एंड वार्म पर्सन, एंड इनफैक्ट आई ऑल्सो सॉ द ट्रेलर ऑफ काबिल एंड आई लाइक इट वेरी मच, आई कॉल्ड अप रितिक ऑल्सो एंड टोल्ड हिम आई रियली लाइक द ट्रेलर ऑफ दैट। मगर क्या आप ये मानते हैं कि ट्रेलर इसी तरह होना चाहिए जिससे मतलब एक माइंड सेट हो जाना चाहिए, ऑडियंस शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड कम इन, यू नो, विद दैट? या आई थिंक ट्रेलर बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी फिल्म के लिए, वो एक पहली झलक होती है ऑडियंस को कि फिल्म कैसी है कैसी नहीं है, उनका जो मन है वो बनता है फिल्म देखने का नहीं देखने का, तो ट्रेलर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट
कदम होता है हमारी मार्केटिंग में, फर्स्ट स्टेप होता है एंड इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप. ओके, मेरा सवाल नितेश जी और आमिर साहब दोनों से है. हाल में ही मतलब आप कितना भी नज़रअंदाज करना चाहें लेकिन नहीं कर सकते. फिल्मों के लिहाज से भी, फिल्म प्रोडक्शन के लिहाज से, फिल्म मेकिंग के लिहाज से, रिलीज़ के लिहाज से, हाल ही में फिल्म रिलीज़ हुई रॉक ऑन, और जिस तरह से पैसों को लेके, हज़ार और 500 के नोट को लेके जो चल रहा है, कहीं ना कहीं बिजनेस इफेक्ट हुआ. आपकी फिल्म 23 नवंबर को रिलीज़ हो रही है, यकीनन तब तक सब कुछ शायद लाइन पे आ जाए, ट्रैक पे आ जाए. डू यू थिंक इट्स अ गुड साइन? दिसंबर डू यू थिंक इट्स अ गुड साइन? टेंशन स्पेशली फॉर द प्रोडक्शन यार, रिलीज हो रही है अभी, मिक्सिंग बाकी है, एडिटिंग बाकी है. क्या कहना चाहेंगे, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट सर? देखिए ये तो अभी दिस इज अ वन ऑफ इंसिडेंट, इसका हम क्या कह सकते हैं, इट्स अ वन ऑफ इंसिडेंट. But you know, it'll help. No, there are 6 songs. हाँ, 6 गाने हैं फिल्म के. वो तो आपको पता चल जाएगा अभी धीरे-धीरे. That I think distribution will decide. मैं इस सब में जाता नहीं हूँ. Whatever they decide. Amir, hi. Let him complete at least. Let him complete. Sir, do you think it's a good sign? You know, yakinan sab kuch solve ho chuka hoga jab tak film release pe aayegi. Even I want you to respond on this. I'll pass the question on to Nitesh ji. But before that, I'll say only this much, that I think ye jo issues hai na, ke desh ke liye kya sahi hai, wo zyada important hota hai. Uska short term impact humko itna nahi dekhna chahiye. Jo cheez humko desh ke liye karni hai, wo humko karni chahiye. Phir usme meri film ko नुकसान हो वो छोटी बात है. आमिर नितेश जी, योर रिस्पॉन्ड ऑन दिस. सी लाइक व्हाट सर सेड, यू नो, एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पीपल आर गोइंग टू मेक देयर ओन प्रायोरिटीज, यू नो, एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, यू नो, दे आर मेकिंग देयर ओन प्रायोरिटीज. सो इफ इट इज बाउंड टू इफेक्ट सर्टेन थिंग्स, इट इज बाउंड टू बेनिफिट सर्टेन थिंग्स, यू नो, एंड वी शुड लुक एट अ लार्जर पिक्चर इज व्हाट आई वुड से. Amir, hi, Karmic here from iCarmic.com. That would be the last question. Yeah, that would be the last Amir, question. Thank right, you. On your right, hi. Where's Karthik? Karmic here? So we'll take one last question because I have a flight to catch. Yeah. Okay, no problem. And I want to take photos with the kids before perfect. I go. Okay, great. Amir, you know, when everyone saw the trailer... When everyone saw the trailer, ye do bachiyan jo hain, wo do ladkon ko bahut maarti hain usme. ठीक है, और मार मार के इतना मार देती हैं कि आप उनको रेसलर बना देते हैं. देर आर माई नेव्यूज हु आर 1 is 7 एंड 1 is 5. उन्होंने जब ट्रेलर देखा तो उन्होंने भी यही कहा कि यार मैं भी सबको मारूंगा. तो मुझे आप ये बताइए कि आई अंडरस्टैंड योर मैसेज, बट यू नो चिल्ड्रन दे आर वेरी सब्लाइम. व्हाट इज इट दैट यू वांट टू से टू द एंटायर kids who are your fan, that entire generation who might be taking this in the wrong way? No, they won't. When they see the film, they won't. Because trailer is only giving you a very bit piece of the communication. So when you see the entire film, I don't think that will be the take home. The take home will be that, which is a central thought of the film, which is that a girl is no lesser than a boy. So we should not distinguish and create differences between girls and boys. That's the central message, really. Thank you. Thank you, guys. Thank you so much. Acha, abhi photo kaise lenge? Ek de baith, you bed. थाम दोन मिनट मला दोन मिनट दे. मी करतो दोन मिनट. नो, व्हाट आय एम गोइंग टू डू इज आय एम गोइंग टू टेल यू व्हाट आय एम गोइंग टू. अरे सुन तो लो यार, बच्चे अभी नहीं चाहिए. पहले मैं आप लोगों को फोटो दूंगा, उसके बाद ये सेंट्रल का जो आइल है आप लोग सब खाली करेंगे. यहां से हम नीचे जाके खड़े होंगे एंड आई वॉन्ट ईच फैमिली टू कम एंड टेक अ फोटो बिकॉज यहाँ केओस होएगा. सो वी विल गो एंड स्टैंड आउट इन अ प्लेस वेर दे कैन कम इन वन लाइन, टेक अ फोटो एंड गो आराम से. ओके, सो एवरीवन रिमेन इन योर सीट्स. बच्चों सीट में रहना, फोटो मैं 100% दूंगा तुम लोगों, टेंशन मत लेना. आपको ये चेयर चाहिए नहीं चाहिए? चेयर हटाओ.
गुड इवनिंग एवरी वन. वेल गुड आफ्टरनून एक्चुअली, सॉरी. गुड आफ्टरनून एवरी वन. आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर कमिंग बिकॉज दिस इज अ वेरी स्पेशल मोमेंट फॉर अस. आई हैव सिड विद मी हुज़ द हेड ऑफ डिज्नी एंड नितीश जी हुज़ वन ऑफ द फोर राइटर्स एंड द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म. एंड सर्टनली दिस इज अ वेरी नर्व-रैकिंग मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस बिकॉज दिस इज बीन अ लॉन्ग जर्नी एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम. ये पहली दफ़ा है जब हम अपना पोस्टर या पहला क्रिएटिव जो है आपके सामने रख रहे हैं, लोगों के सामने रख रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा. सो नितेश जी, कैन आई रिक्वेस्ट यू टू अनवील द लुक. कैसा लगा गाइस? अ मैन विथ हिज फोर डॉटर्स. पोस्टर के साथ फोटो. तो आई होप यू लाइक दिस लुक. या मैन विथ हिज फोर डॉटर्स. हाँ, और आपके पास कोई अगर सवाल हो हमारे लिए, सेट के लिए, मेरे लिए, नितेश जी के लिए, तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क अस. चेक. हाय अमित सर, दिस इज आलोक. हाय सर. पोस्टर आपका जब भी आता है तो कुछ ना कुछ खास कर जाता है. जैसे पिछली फिल्म भी हमने देखी थी, आप रेडियो के साथ थे और उस लुक में थे. इस बार पारिवारिक तरीके से और ख़ास तौर से लड़कियों के ऊपर आपने ये लाइन लिखी गई कि हमारी छोरियाँ छोरों से कम हैं कर. तो इस पोस्टर के पीछे की क्या कहानी थी, अगर आप ये थोड़ा बताना चाहें. ये जो है ये एक्चुअली इसको हम बोलते हैं की आर्ट, जो मेन थॉट है हमारी फिल्म का, कि एक इंसान है, उसकी चार बेटियाँ हैं, और वो इस बात से बिल्कुल मतलब इस बात से बहुत खुश है कि उसकी चार बेटियां हैं और उसे पूरा गर्व है अपनी बेटियों पे. लिहाजा वो लाइन, वो फिल्म के अंदर ये एक दफ़ा एक जगह पे ये लाइन आती है, मारी छोरियां छोरों से कम है के. सो इट्स अ स्टोरी अबाउट, आई मीन दिस वन इमेज टेल्स यू, ये आपको बताता है कि जो कहानी का दिल है वो क्या है. एंड सर, अभी आप फारिग हो चुके हैं, आई थिंक बस पोस्ट प्रोडक्शन बचा होगा फिल्म का बाकी. तो शूट करने का जितना भी फेज था, लाइक आप हैवी बॉडी में थे दिन. हाँ हाँ, शूटिंग पूरी हो गई हमारी, शूटिंग थैंक गॉड कंप्लीट हो चुकी है. जैसे आपने कहा, मैंने पहले बहुत मोटा हो गया था, वज़न बढ़ाया, फिर मैंने घटा के जो यंग पोर्शन है फिल्म में शुरू होती है, एक छोटा सा 10-15% इज़ यंग, तो वो हम शूट कर चुके हैं और शूटिंग हमारी मुकम्मल हो चुकी है. एक गाना है जो हम जो फिल्म में शायद ना हो, लेकिन वो एक प्रमोशनल वीडियो है जो हम इस महीने के आखिर में शूट करेंगे, लेकिन वो फिल्म हमारी कंप्लीट है. किस लुक को आमिर खुद पसंद करते हैं सबसे ज़्यादा, अभी जो हमारे सामने हैं, बड़ी बॉडी वाले या एकदम बॉडी शॉट? एक्चुअली मेरी कोई लुक अभी रही नहीं. किरण जी अक्सर मजाक करती है मेरे साथ कि जिस इंसान से मैंने शादी की 10 साल पहले, वो 10 सालों में उसको इतनी अलग अलग लुक्स हो गई हैं
कि मुझे खुद याद नहीं आता कि आपकी ओरिजिनल लुक क्या है, मतलब आप कैसे लगते हो, क्योंकि हर दफ़ा आप किसी न किसी किरदार में होते हो। और तो एक्चुअली मैं भी भूल गया हूँ, इस वक्त तो मुझे ये अच्छा लगता है यार, थोड़ा एल्डरली, मोटा, ग्रे हेयर, आई थिंक इट्स अ ग्रेट लुक हियर एंड आई थिंक इट रियली गोज विद द फिल्म एंड द कैरेक्टर। किरण जी को, हाँ किरण जी को भी एक्चुअली ये ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वो अभी मैं उनको ऐसे लविंगली होल्ड करता हूँ तो वो बोलती हैं आपकी बॉडी बहुत हार्ड हो गई है, पहले अच्छी सॉफ्ट थी एकदम पिलो की तरह, अभी इतनी हार्ड हो गई है, मुझे मतलब गर्दन दुखती है। मुझे आदत है, मैं बहुत लोगों को जिनको मैं बहुत मेरे अजीज़ होते हैं, जो जिन्हें मैं बड़ी मोहब्बत करता हूँ, मेरे बच्चे किरण जी, मैं उनको बहुत ज़ोर से ऐसे पकड़ के सोता हूँ मैं, तो विमेन ऑलवेज लाइक एल्डरली मैन। अरे यार तो मैं तो बड़ा एल्डरली हूँ आजकल या आपने बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? हाँ 25 साल से मैं लगा हूँ यंग लगने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा सीक्रेट है यार। हाय आमिर, डे आफ्टर देयर इज अनदर फिल्म ऑन रेसलिंग दैट्स रिलीजिंग। हाय आमिर हियर, या सॉरी, शिल्पा फ्रॉम इंडिया टुडे। सॉरी, डे आफ्टर अनदर फिल्म ऑन रेसलिंग इज रिलीजिंग सुल्तान, एनी सिमिलैरिटीज एट ऑल टू दंगल दैट यू हैव नोटिस्ड? No, not that I've noticed. I mean, there is wrestling, which is common, but that way so many films are common. So many films are revenge films. So many films are romantic films. So I think the genre of the film is quite different. The story itself is very different. One aspect of wrestling is common. But Sultan is a film that whatever trailers I've seen and the songs that I've seen, I really love the look of the film. I really love the way the director has, you know, shot the songs and the trailers. It looks like a very exciting film, and I really hope that it's a huge, huge success and breaks all records. That's my wish for the film. Absolutely, and Amar, you're really good friends with Salman Khan, who's in the eye of a storm currently with a comment that he made. I'm sure you've read about it. So, what is your take on it? Well, I feel what, I mean, I'm going by the media reports of what, because I wasn't present when this happened, but as per the media reports, whatever I've read, which quotes him as saying a certain thing, I feel what he said was rather unfortunate and rather insensitive. That's what I feel. Amir? No, I've not spoken with him. Who am I to advise him? Amir, recently Irfan made a statement saying people should introspect instead of during Ramzan fasting. He also said People should introspect instead of fasting during Ramzan. He also made a statement saying that animals are being slaughtered on the name of Qurbani basically, and he said we Muslims have made a mockery of Muharram. So what is your take on that? You know, I feel religion is a very personal issue here. Each one has their own feelings about it. Each one has their own thoughts about it. I have my own. So I don't want to comment about other people's feelings and what they think about. I go with my own heart. You know, I'll have to read the act before I can comment on it. Because until I read the act, I wouldn't be able to really. I know, but I'll have to read the act before, or at least I'll have to read the main parts of it before I can comment. Well, you know, in all our films, hum log hamari koshish ye rehti hai ki hum jitni sachchai se logon ko bataye film ke bare mein. Ab mera young look bhi hai film mein. Hum यंग पोस्टर भी लगा सकते थे कि मैं खड़ा हूँ, एकदम यंग दिख रहा हूँ, बॉडी बड़ी अच्छी दिख रही है, बट वो सच्चाई नहीं है फिल्म की। कहानी की सच्चाई ये है कि एक बाप की कहानी है और बाप की चार बेटियाँ हैं, उनके रिश्ते की कहानी है, उनके जर्नी की कहानी है, एक परिवार की कहानी है, इट्स अ फैमिली फिल्म। सो वी आर बींग ऑनेस्ट विथ आर मटीरियल एंड आई थिंक इन ऑल माई फिल्म हमने कोशिश यही की है कि हम अपनी जो फिल्म है वो एक सच्चाई से लोगों के सामने रखें, तो लिहाजा इसमें भी हमारी वही कोशिश रहेगी। आमिर, हाय, दिस इज आतिका।
वो तो अभी आप देखते रहिए ना क्या होगा, मैं हर चीज में आपको कैसे बता दूं। आमिर हाय, दिस इज आतिका हियर, जस्ट वांट टू आस्क यू, सॉरी वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम? या दिस इज आतिका हियर। वो आप देख सकते हैं पोस्टर्स में बेटियां नजर आ रही हैं, आप भी एक बेटी दो बेटों के बाप हैं। इंडिया में बेटी के कंधों पर अपना मुस्तकबिल होने की जिम्मेदारी से ज़्यादा बाप के कंधों पर बेटी के मुस्तकबिल की जिम्मेदारी होती है, बजाय इसके कि बेटियां आगे बढ़ें अगर बाप उनको थोड़ा प्रॉम्प्ट करें और सपोर्ट करें तो उनको वो क्या नहीं कर सकती। वी हैव इंदिरा गांधी, वी हैव बेनज़ीर भुट्टो, और जो हेड्स ऑफ स्टेट हैं डिस्पाइट द फैक्ट कि वो उस मुल्क में पैदा हुई जो पेट्रियार्कल मुल्क है। तो इस इशू पर आपका क्या टेक है कि बाप की जिम्मेदारी कितनी होनी चाहिए बेटी को आगे बढ़ाने में? सिर्फ बाप की नहीं, माँ की भी होती है। आई थिंक हर पेरेंट की जिम्मेदारी है, हर माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को किस तरह परवरिश दें, क्या सिखाएं, क्या वैल्यूज़ उनको सिखाएं। तो हमारे यहाँ एक है पेट्रियार्कल थिंकिंग बहुत अरसे से है, और हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि धीरे धीरे ये चीज़ एकदम से तो पलटने वाली नहीं है। धीरे धीरे लोग जो हैं सेंसिटिव हों, उनमें एक जागरूकता आए और उनमें ये एहसास हो, जज्बाती तौर पे, सिर्फ लॉजिकल नहीं लेकिन जज्बाती तौर पे ये एहसास हो के जो बेटी है वो बेटे से कोई अलग नहीं है, ना कम है। हाय हाय, दिस इज मयूर, आंसर पूरा कर लो। आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी। तो ना कम है ना ज़्यादा है, देयर इज एन इक्वालिटी, देयर शुड बी एन इक्वालिटी। और आई थिंक ये फिल्म यही कहने की कोशिश करती है, दिस इज द होल थॉट ऑफ दिस फिल्म। दंगल का जो थॉट है वो यही कहता है। ये फिल्म एक्चुअली मेरे लिए इतनी ख़ास इसलिए है कि ना सिर्फ ये एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करती है, लेकिन उसके साथ साथ ये सिर्फ एक गर्ल एम्पावरमेंट की कहानी नहीं है, ये एक बाप और बेटियों के रिश्ते की कहानी है। ये एक कहानी है ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट ऑल ऑड्स, ऑफ कमिंग आउट विक्टोरियस, ऑफ नॉट गिविंग अप। आप किसी चीज़ को लें तो उसको आप डट के रहें, आप अपना कन्विक्शन कमज़ोर ना करें, जैसे लगान में था। तो इट्स अ स्टोरी अबाउट, इट्स वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी। और सबसे ख़ास बात मुझे इस कहानी की लगी कि जब नितेश जी ने, मुझे याद है नितेश जी और सिड दोनों आए थे नरेट करने के लिए, और मुझे शुरू में ही अंदाज़ा हो गया था कि ये महावीर गीता और बबीता की कहानी है, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये कुछ भारी भरकम, कोई सीरियस बहुत ड्रामेटिक कहानी होगी, बहुत ही जज्बाती कहानी होगी। तो जज्बाती तो है और ड्रामेटिक भी है, लेकिन इसमें जो ह्यूमर शुरू से ही नितेश जी ने अपने राइटिंग में डाला है उससे मैं बड़ा सरप्राइज हुआ। आई हैड नॉट एक्सपेक्टेड टू लाफ इन द नरेशन ऑफ द स्क्रिप्ट, सो द अमाउंट आई लाफ्ड वाज इक्वल टू द अमाउंट आई यू नो वाज मूव्ड बाय द स्टोरी, एंड दैट वाज अ रियली रिफ्रेशिंग थिंग फॉर मी। मुझे बड़ा उस पर मजा आया कि ये कहानी को इन्होंने ऐसे कमाल के तरीके से नरेट किया है नितेश जी ने अपने टीम के साथ, राइटर्स की टीम के साथ, कि ये आपको वाकई एक ऐसे जर्नी पे ले जाते हैं जिसमें आपको मज़ा भी आता है, आप कुछ चीज़ें समझते भी हैं, आपको आपकी आंखें भी नम होती हैं और आपको इंस्पिरेशन फील होता है। सो आई रियली वांट टू थैंक नितेश जी। अच्छा, आप मेरे पास आए क्यों? कोई आप लोगों को सवाल नहीं पूछ रहा यार, सब मेरे पीछे पड़ गए हैं। नितेश जी को भी पूछिए। Sorry, I can't hear you clearly. I think it was almost 100% is what I would say. He is probably the most easygoing star to work with, you know. He would listen to your point of view, and the kind of respect he gives to his director, it's immense, you know, the kind of faith. Once he's put his faith in you, I don't think there is anything which stops him from, you know, going all the way to make sure that he lives up to your vision. You can see it out here, the kind of trouble and the pain and risk of health and everything he went through purely because he bought into the vision which we had as a team to portray the way we wanted to portray Mahavir Singh. So I think it's probably the, what can I say, you know, it's like absolute free hand he gives to you as a director. Nitesh sir, is taraf aapke left mein, aapke left mein, sorry I can't, ha ji please. Film ke liye Aamir ko hi kyun chuna,
कितना वक्त लगा आमिर को मनाने में एंड आपको फिल्म के लिए पूरी तैयारी करने में कितना टाइम गया? मेरी जर्नी के बारे में अगर आप पूछेंगे तो फिल्म का कॉन्सेप्चुलाइजेशन से लेके जब तक फिल्म रिलीज होगी 4 साल हो जाएंगे। आमिर सर को क्यों चुना? आई थिंक जब मैं सिड और रॉनी के साथ था, हम लोगों ने एक्चुअली ये जब स्क्रिप्ट लिखी थी तो हम लोगों ने किसी भी एक्टर को ध्यान में रख के नहीं लिखी थी, हम लोगों ने बस एक अच्छी कहानी लिखने के उद्देश्य से ये स्क्रिप्ट लिखी थी। आई डोंट नो, 5 सेकंड में ही शायद मैंने ये आंसर दे दिया था। जब स्क्रिप्ट सुनने के बाद सिड और रॉनी जी ने मुझे पूछा था कि आपको अगर कंप्लीट फ्री हैंड देते हैं तो कौन ऐसा एक्टर है जिसके साथ आप ये फिल्म बनाना चाहेंगे, लेट्स फॉरगेट द रियलिटी और यू नो वेदर इट विल हैपन और नॉट, बट आई थिंक विद इन 2-3 सेकंड्स मैंने आमिर सर का नाम बोला था एंड मे बी राइटफुली सो, यू नो, बिकॉज ही इज़ नोन टू टेक अप वन प्रोजेक्ट एट अ टाइम, ही इज़ नोन टू हैव गॉन टू ग्रेट लेंथ्स to make sure that he lives up to that character. You know, I'm not even getting on to the kind of performance he delivers, you know, so, and all those things which were, I think, there in the back of my mind, you know, before I took out his name in 3 seconds, and then we said we'll try and see if we can give it a shot, whether we can get an appointment with him to go and narrate the film to him, and then we went and narrated it to sir, and then sir took his own time to convince himself. I think he'll be able to tell you much better what convinced him to do it, but he told one thing for sure, that I like it and I would want to do it, are you guys willing to wait? And our response was that we are willing to wait for 5 years, we are willing to do this film, and that's what एक्चुअली क्या हुआ, जब मैंने कहानी सुनी तो मुझे बहुत पसंद आई, मतलब मैं एकदम फ्लैट हो गया। इस कहानी ने मुझे हंसाया, रुलाया, आई वॉज लाइक रियली मूव्ड बाई द स्क्रिप्ट, आई फाउंड इट वेरी एक्साइटिंग, वेरी इंस्पिरेशनल इन द एंड। तो मैंने ये तो तय कर लिया था कि मुझे करनी है, फिर मुझे ये फिक्र हुई कि उस वक्त मेरी बॉडी 9% बॉडी फैट, अभी पीके और धूम 3 करके निकला हूँ, और इसमें नितेश जी जो हैं वो मुझे 55 साल के रोल में डालना चाह रहे हैं, जो मेरी सच्चाई के कुछ ज़्यादा नज़दीक है। तो मैंने कहा यार मेरी सच्चाई बाहर नहीं निकला है, तो मुझे वो फिक्र थी, मैं आई बी ऑनेस्ट विद यू, मुझे वो फिक्र थी कि यार मैं अभी यंग रोल्स कर रहा हूँ, मैं कहाँ 55 में 60 में घुस रहा हूँ, मोटा होना है, बाल मतलब ग्रे हो जाएंगे, चाल अजीब सी हो जाएगी, जो थोड़े बहुत फ़ैन बच्चे हैं वो भी भाग जाएंगे, तो मतलब क्या होगा मेरा फ्यूचर का, मुझे वो फिक्र थी। तो मैंने एक्चुअली मेरे माइंड में ये बात थी कि मैंने सोचा था कि मैं 5-6 साल 8-10 साल के बाद मैं ये कर सकता हूँ, मेरी जब उम्र 60 साल की हो जाएगी। आमिर हाय, दिस इज मयूर। मैं आंसर पूरा कर लूँ यार, आई हैव रियलाइज्ड नोबडी वांट्स टू लिसन टू माय आंसर। ठीक है, जो भी आप आंसर है, मेरा क्वेश्चन ही है। कैन आई आस्क नाउ? नहीं नहीं, आई एम नॉट फिनिश्ड यार, हद हो गई यार। किधर है मयूर? या मयूर, बड़े जल्दी में हो आप यार, कहीं जाना है? नहीं, इट्स डिफिकल्ट टू गेट अ माइक, यू नो। हाँ, अच्छा अच्छा। तो मैं उस फिक्र में था कि मैं इस वक्त ये करूँगा, इतने बूढ़े इंसान का रोल, इतना मोटा हो जाऊँगा, अगली देखूँगा, तो टैक्टिकली ठीक नहीं होगा, मतलब लोग क्या कहेंगे, फिर आगे मेरे करियर का क्या होगा, तो ये सारी फिक्रें थी मुझे, और ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, लेकिन मेरा दिल कह रहा था मुझे फिल्म करनी है। तो कुछ महीनों के बाद मैंने फिर से फ़ोन किया नितेश जी को, मैंने बोला मुझे दोबारा सुननी है कहानी, और मैंने दोबारा कहानी सुनी, और फिर मैंने सोचा कि यार हटाओ ये सब, जो जितना लॉजिक वॉजिक है उसको डब्बे में डालो, मुझे ये फिल्म अभी करनी है, एंड दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि मैं इसी वक्त ये फिल्म करूँगा, मोटा होना है मोटा हो जाऊँगा, जो करना है मैं करूँगा, और मुझे अपनी पब्लिक पे पूरा भरोसा है कि वो समझते हैं कि मैं जब भी कोई किरदार कर रहा हूँ तो मैं उस किरदार में अपने आप को ढालने की कोशिश कर रहा हूँ, वो यंग हो सकता है, बूढ़ा हो सकता है, उसके अलग अलग रूप हो सकते हैं कैरेक्टर के। तो फिर मैंने बोला ये सब सोचना नहीं है यार, जहाँ दिल है अपना, अपने को वहाँ जाना है, तो देन आई डिड इट इमीडिएटली। आई हैड ओनली वन रिक्वेस्ट, मयूर, वन लास्ट पार्ट ऑफ इट,
सॉरी माय बैड डे आई एम सो सॉरी. मैंने एक ही रिक्वेस्ट थी मेरी नितेश जी से कि आप जो क्योंकि उस वक्त मैं बड़ा फिट था तो हम एक्चुअली इन ऑर्डर जा सकते थे कि पहले यंग पोर्शन शूट कर लें फिर हम लोग मैं वेट बढ़ाऊं फिर हम मोटापे का शूट करें फिर और बुढ़ा हो जाऊं 55 तक पहुंचूं ये सब हम कर सकते थे. तो मैंने उनसे एक ही रिक्वेस्ट की कि मैं उल्टा करना चाह रहा हूं आप पहले वो मोटापे का पार्ट पहले आप शूट कर लीजिए और फिर हम मैं वेट कम करूंगा लूज करूंगा दोबारा मैं ऐसा दिखूंगा जैसे इस वक्त दिख रहा हूं आपको और हम यंग पोर्शन वो टाइम पे शूट करेंगे. उन्होंने कहा क्यों ऐसा उल्टा क्यों कर रहे हैं आप. मैंने कहा देखिए जब आपकी शूटिंग कंप्लीट हो जाएगी जैसे अभी कुछ दिन पहले हमारी शूटिंग कंप्लीट हुई है जब आपकी शूटिंग कंप्लीट हो जाएगी तो अगर मोटापे का हम आखिर में करेंगे तो मेरा वजन 9700 किलोज होगा और कोई वजह नहीं होगी मेरे लिए वजन कम करने की ना कोई जल्दी होगी. तो मैं उल्टा इसलिए करना चाह रहा हूं कि मुझ पर प्रेशर बना रहे कि मैं मोटापे का पोर्शन शूट कर चुका हूं अब इसी फिल्म के लिए मुझे कम करना है दोबारा बॉडी बनानी है फैट लॉस करना है तो वो एक जो प्रेशर होगा मुझ पे एक जो एक गोल मेरे सामने होगा उसको मैं अचीव कर पाऊंगा तो वो ही एक मेरी रिक्वेस्ट थी. मयूर थैंक यू सो मच आमिर. या माय लाइक आई डोंट विश टू विशेट द एनवायरनमेंट हियर बट कमिंग बैक टू द इशू ऑफ सलमान खान एंड द कमेंट्स बाय मिस्टर इरफान खान. Don't you think that as a nation it is a misfortune that that a comment by two actors, you know, two personal comments, it's become more relevant and more important than the issue of, you know, justice for the many Nirbhayas and, you know, the killing in Dadri? See, you know, I think that, I really feel, you know, that as a society and especially the media, aap log sab media ke hain yahan pe, ke bahut sare issues hain humare saamne. अनफॉर्चुनेटली होता क्या है ह्यूमन नेचर ऐसा है कि जहाँ जहाँ इश्यूज़ होते हैं जो कॉन्ट्रोवर्शियल होते हैं या किसी किस्म से नेगेटिव होते हैं उस पर हमारा ध्यान ज़्यादा जाता है. मैं आपको अलग नहीं ठहरा रहा हूँ मैं भी आपके साथ ही हूँ ये ह्यूमन टेंडेंसी है. इस आदमी ने बड़ा अच्छा काम किया उसका न्यूज़ नहीं बनता. ये इसने बड़ा नेक आदमी है इसने ये किया उसका न्यूज़ नहीं बनता. लेट मी जस्ट कन्वे व्हाट आई एम सेइंग. Let me just convey what I'm saying. I'm saying in general, negativity sells much more than positivity. That much you'll agree in general. And in general, that is the trend that's happening today. So I'm saying it, if we all decide to focus on positive things, na, you'll find that there's a huge number of positive things happening in this country as well. There are a huge number of people who are working very hard and tirelessly on a ground level, on the grassroots level, for all kinds of issues. And I think that also needs to come out. That also needs to be promoted. That people need to see that. You know, as a common person, when I'm reading the news, I'm watching the television news, I'm also affected by what is being reported to me. So when someone says something which is disturbing, then I also get disturbed. But if you show me something that someone said which is good, then I also feel good. So I would request you all, I know it's often not in your hands, but if possible, there are so many positive things happening also in society. If we could concentrate on that, Mayur, and maybe you can ask me another question now because of that, which is positive in nature. Amir sir, my question to you. Yeah, on your left. Yes. Sorry. Sir, you've been a man who inclined towards the society, betterment of society. Always been through Satyamev Jayate or any other thing. Why you kept the name this movie Dangal? Any specific reason behind that? दंगल एक्चुअली टाइटल तो नितेश जी ने लिखा है क्योंकि जब उन्होंने कहानी सुनाई मुझे तो उसी वक्त उनके माइंड में ये टाइटल था. तो आपने क्यों चुना ये टाइटल? आई थिंक सर ये टाइटल मैंने भी नहीं चुना था. जब मेरे पास स्क्रिप्ट आई थी तो इट केम विद द टाइटल दंगल ओनली. अच्छा. हाँ मतलब वन द चार लाइन थॉट जो आया था मेरे पास यूटीवी की टीम से फ्रॉम डिज्नी की टीम से तो उसका टाइटल दंगल ही था. यू नो तो I never found any need to change it because it's so appropriate. So. Dangal is actually आपको लग रहा है शायद दंगल का मतलब riots है ना? Not दंगल का मतलब riots नहीं है. वो मराठी में हम उसको बोलते हैं दंगल riots. Actually हिंदी में हरियाणवी में जब हम दंगल बोलते हैं नॉर्थ इंडिया में दंगल का मतलब है कुश्ती. कुश्ती या bout, a challenging bout is a dangal. और हमारा जो ओपनिंग गाना है वो अभी रिलीज नहीं हुआ है मैं उसके बोल आपको एक दो लाइन सुनाता हूँ आपको फिर समझ में आएगा टाइटल कितना अप्रोप्रिएट है. माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी पगबक प्यारे दंगल दंगल. सूरज तेरा
चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे दंगल दंगल. तो आई जस्ट गिविंग यू एन आइडिया ऑफ द थॉट ऑफ द सॉन्ग कि हाउ एक्चुअली लाइफ में हर मोमेंट आप फेस करते हैं चैलेंजेस एंड एवरी चैलेंज इज लाइक अ दंगल. हाउ यू रिएक्ट टू इट, हाउ यू फेस अप टू इट इज व्हाट मैटर्स. मिस्टर सिद्धार्थ, सिद्धार्थ जी आपसे मेरा सवाल है, आपके फ्रंट में हूँ आलोक, कि ये एसोसिएशन कैसा रहा, क्योंकि इसके पहले आपकी तरफ से द जंगल बुक वगैरह काफ़ी अच्छा कर रही हैं ऑल लेवल पे, तो विद आमिर एंड दंगल. हाँ मतलब जंगल बुक कर रहे हैं तो फिर आमिर की क्या जरूरत पड़ी आपको. नहीं सर, पहले पहले जंगल फिर दंगल इस तरीके. Well, this happens to be our ninth association with Amir, actually. We were just counting the other day as producers, co-producers, distributors in some capacity or the other. So it's nothing new for us to want to be associated with Amir in some capacity. I think when a member of our creative team, actually Divya Rao, who's you know sort of unfortunately not here today, the idea really came from her. She, you know, read about this story and she thought it would make a great film. And when she came to us with it, it sounded like something that was so inspirational, so such a wonderful story that really had to be told. And, you know, we had the good sense to go to someone like Nitesh and tell him about the story. And he also fell in love with it. And from that point on, the journey started. And, you know, he wrote a beautiful script. As he said just now, the only person we had in mind to go to was Amir. And it all fell into place really, really well. So really happy that it happened. Amir, hi, this is Faridun from Borunangama Center. Hi. The poster is looking amazing. My question to you is that you've already always stood for women rights and the girl child and a lot of other things as well. When we look at the poster, somehow we see all the four girls, somehow, you know, in a way they have that boyish look somewhere. Don't you feel that even if a girl has to portray like a tough role, it can retain its the femininity as well? Yeah, of course. You're absolutely right. And I don't believe that a girl or a woman has to go easy or reduce her femininity and be more like a male to be strong. I don't believe that at all. Right. And nor does the film believe that. The only reason that their hair is short is because it's from a practical point of view of wrestling. So when you see the film, you'll understand that. And are you doing Rakesh Sharma's biopic? There are reports that you're doing Rakesh Sharma's biopic. You know, I've not signed any film yet. Are you planning? I've just begun to read scripts and explore the possibilities. I have not signed anything but yet. But is Rakesh Sharma something that you're exploring? You know, until I sign a film, I can't tell you because it's not fair. It's not fair, I'll tell you why. Because there are a lot of people approaching me and they're approaching me with confidence that I will not let them down. So when someone narrates a script to me, I don't tell anyone ki mai, bhai, so-and-so director ne script leke mere paas aaya. Kyunki agar maine nahi ki, तो फिर वो रिफ्लेक्ट करता है कि यार आमिर ने वो फिल्म क्यों नहीं की, रिजेक्ट की, नहीं बन रही है वो फिल्म, क्या उसकी स्क्रिप्ट ठीक नहीं थी, क्या नहीं था. आई डोंट वॉन्ट दैट, इट्स नॉट फेयर. वेन समवन कम्स टू मी, ही कम्स टू मी इन फेथ एंड आई लाइक टू अपहोल्ड दैट फेथ. सो विच एवर स्क्रिप्ट आई हियर, यू विल नेवर कम टू नो कि मैं किसकी सुन रहा हूँ, किसकी नहीं सुन रहा हूँ. सो आई विल नीदर डिनाई नो एडमिट टू योर क्वेश्चन. थैंक यू. आमिर भैया, मिस्टर तिवारी, दिस क्वेश्चन इज फॉर यू. कैन आई आस्क? हां. Amir has partly replied to that. Is it true that there are no songs in Dangal and you'll only have a promotional music video with Amir and his four daughters? No, that's incorrect. We have quite a few songs in the film. Six. You have six songs? At least And it six. Might become seven. Yeah. Why Amir seven? Well, that's the number of situations that we possibly have. So right now we already have six in the film. So it has six songs, yes. Okay. Amir, the question is regarding your weight in the movie. How did you gain the weight and how did you reduce the weight? You know, see, gaining is easy. वजन बढ़ाना बहुत आसान है. आप खाइए पीजिए वो सारी चीज़ें जो हमको बोला जाता है मत खाओ, जलेबी, स्वीट्स, मिठाइयाँ, डीप फ्राइड वेफर्स, समोसे, बटाटा वड़ा, जितनी चीज़ें इसमें तेल ज़्यादा हो, तो वो सारी चीज़ें जो बहुत ही टेस्टी होती हैं जो हम खा नहीं पाते तो वो मुझे पूरी छूट मिली थी. 6-8 महीना मैं दवा के खा रहा था और इतना मैंने इन्जॉय किया, मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत इन्जॉय किया. मतलब जहाँ मैं जाऊँ लोग बोल रहे हैं, अरे यार मैं ये नहीं खा सकता, नहीं खा सकता. अरे खाओ यार, कुछ नहीं करके मैं ले लेता था. तो केक खा रहा हूँ, ये खा रहा हूँ, मतलब लाइफ में इतना मैं फ्री कभी मैंने फील नहीं किया. नहीं तो हमेशा डाइट पर रहते हैं, ये करते हैं वो करते हैं. तो आई रियली इन्जॉयड दैट इंटायर प्रोसेस ऑफ पुटिंग ऑन वेट एंड ऑल ऑफ दैट and staying fat. I had to stay fat, you know, through the shooting of the film. Aur phir wo waqt aaya jab mujhe kam karna tha, to aisi band baji hai meri. Uff, it was really difficult.
बट आई हैड अ ग्रेट टीम विद मी, आई हैव टू टेल यू, आई वांट टू एक्नॉलेज माय टीम ओवर हियर. एक तो मेरे जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं उनका नाम है डॉक्टर निखिल धुरंधर, वो अमेरिका में रहते हैं और यहाँ पर सेंटा क्रूज में डॉक्टर धुरंधर का नाम आपने शायद सुना होगा, सीनियर डॉक्टर धुरंधर, उनके बेटे हैं. और उन्होंने, क्योंकि मैं सीनियर डॉक्टर धुरंधर के साथ कई सालों से था एज ए न्यूट्रिशनिस्ट, एज अ यू नो पर्सन हु इज टू कंसल्ट हिम, उनकी तबीयत कुछ बिगड़ गई तो लकीली आई मेट निखिल, ही वॉज इन इंडिया दैट टाइम एंड ही सेड आई विल टेक ओवर फ्रॉम वेयर डैड वॉज, वेयर डैड हैज लेफ्ट. तो उससे मुझे बड़ा, मुझे ताकत मिली क्योंकि यू नीड अ न्यूट्रिशनिस्ट हु नोज अबाउट फूड प्रॉपरली. उस नॉलेज के साथ मुझे पूरा फेथ था कि यहां मैं रॉन्ग नहीं जा रहा हूं, वॉट एवर ही टेल्स मी विल बी द करेक्ट थिंग. सो एंड आई इन्वॉल्व्ड हिम इन द बिफोर वी स्टार्टेड द शूटिंग, इवन इन द वेट गेन एंड इन द वेट सस्टेनेंस ही वॉज स्टिल पार्ट ऑफ दैट क्रिएटिंग द डायट फॉर मी. एंड देन द वेट लॉस बिगैन फ्रॉम द 10th of January, आई थिंक 10th January से मेरा वेट लॉस शुरू हुआ. तो ही वॉज वेरी क्रिटिकल इन दिस होल प्रोसेस. The other two people who were critical were my trainers. एक मेरे ट्रेनर हैं, उनका नाम है राकेश, और राकेश मेरे साथ थे शुरू में जब हमने शुरू किया ट्रेनिंग. और ट्रेनिंग में देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि मैं मोटा हूँ लेकिन मेरी ट्रेनिंग फिर भी जारी है. आपको वो मसल्स दिखेंगे नहीं क्योंकि चर्बी इतनी ज़्यादा है उसके ऊपर कि मसल्स का शेप आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन वो ज़रूरी है क्योंकि जब मैं मसल लाना चाहूँगा तो फिर अगर मैंने कंटिन्यूस ट्रेनिंग नहीं की है तो देन टू बिल्ड मसल टेक्स मच लॉन्गर. So it is important I train right through this process. Even when I'm fat, I'm training. And it is very difficult to train when you're fat. 97 kilos and you're doing squats and you're doing, you know, bench press and you're doing, it's very difficult. Khair. So maine wo, Rakesh was with me. And then Rakesh is actually Salman's trainer. Wo regularly Salman ki training karta hai. To usne mujhe ek din kaha ki bhai bula rahe hain, Sultan ki shooting shuru ho rahi hai. To maine kaha jao bhai, tum bhai ke paas jao. To wo bhai ke paas gaye. और ही ट्रेन्ड सलमान एंड उनकी जगह पे राहुल भट्ट केम टू ट्रेन मी, भट्ट साहब के जो बेटे हैं. तो राहुल भट्ट ट्रेन मी फॉर 3-4 months जस्ट शूटिंग के दौरान. एंड देन वंस सुल्तान की शूटिंग कंप्लीट हो गई देन राकेश केम बैक. सो लास्ट 3 months अगेन राकेश हैज ट्रेन मी. तो बिटवीन राकेश एंड राहुल दे बोथ रियली मैनेज माई शेड्यूल रियली वेल, दे रियली पुश्ड मी टू द एक्सट्रीम. बोथ आर वेरी गुड ट्रेनर्स, बोथ आर एक्सलेंट, वेरी नॉलेजेबल ट्रेनर्स. So with Dr. Nikhil Dhurandhar, Rahul Bhatt and Rakesh, I had 3 people who were a strong team to help me through this very difficult phase of changing the shape of your body. In fact, there's another thing I need to thank Salman for here, is the title, Dangal. I don't know if you know that. Because Dangal title script mein to likha hua tha aapne. Lekin jab humne pata kiya to wo script ka jo rights the wo Puneet ji ke paas the, Puneet Isar. So I knew that Salman is very close to Puneet and I called up Salman one day and said ke yaar mujhe Dangal title chahiye yaar, can you arrange a meeting between Puneet and me. So actually Salman called up Puneet and said yaar unko title chahiye, jabki wo Sultan bana raha hai, log bolte hain ki hum log ek dusre se jhagda kar rahe hain, wo same wrestling film hai, lekin aisa kuch nahi hai kyunki Salman ne actually humko help kiya. Dangal ka title milne mein Salman ka bada haath hai and he called up Puneet and then Puneet and I met and Puneet was very sweet. He said ki yaar main use nahi kar raha hu to aap log istemal kar lo. So he gave us the title and that's how we got the title actually, Dangal. Hi Siddharth, Siddharth over here. You know PK released on 19th of December, which was a week before Christmas. So what is there a particular reason why Dangal is releasing in the Christmas weekend, and how do you see that Christmas falls on a Sunday this time? So how do you see that, will that affect the business in any way? You know, that period is an excellent period for releasing movies, as we've seen over the last so many years, and so many of Amir's films have released at that time as well. We felt 23rd was the right date because it was on the eve of Christmas. You're actually being able to reach out to audiences who are in a mood to actually go and visit the theaters. You've got your holidays going on at that time, so December 23rd seemed like just the right date to release the film. Amir, this is Simrita from Filmicari, towards your left. I have 2 questions for you. Yeah. The film is about the father and his 4 daughters and how he trains his 2 daughters to be wrestling champions. So how was it working with the 4 girls? This is my first question. Oh, that was outstanding. I really loved working with him. जब आप फिल्म देखेंगे तो बहुत सारी चीजें देख के आप लोग चौंक जाएंगे, हैरान हो जाएंगे. जो 4 लड़कियों ने काम किया है, unbelievable.
एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल. मतलब ये अपनी पहली फिल्म कर रही है, मैं कुछ 40 फिल्में कर चुका हूँ, मैं पिछले 25-27 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन जिस एफर्टलेस तरीके से वो शॉट देती थी, मैं देख के हैरान हो जाता था कि यार ये पहली फिल्म कर रही है अपनी. सो आई एम सो प्राउड ऑफ देम. एंड यू नो द यंग किड्स ऑफ टुडे आर सो फोकस्ड, सो हार्ड वर्किंग, ऑल फोर ऑफ देम रियली हार्ड वर्किंग, एंड दिस वॉज अ वेरी डिफिकल्ट फिल्म फॉर देम टू डू बिकॉज ऑल ऑफ देम हैव टू रन रेसलिंग. रेसलिंग इज वेरी टफ स्पोर्ट. आपकी बॉडी में इंजरीज होती हैं. सो फॉर एग्जाम्पल फातिमा इन द अर्लियर पार्ट ऑफ हर रेसलिंग ओनली शी इंजर्ड हर रिब एंड शी हैड टू डू द होल वन ईयर ऑफ शूटिंग एंड द रेसलिंग रिहर्सल्स विद दैट ब्रोकन रिब बिकॉज रिब का कोई फ्रैक्चर अपना कोई कास्ट वास्ट नहीं होता. यू हैव टू जस्ट अलाउड टू हील. सो दे हैड टू रियली पुश देयर ओन लिमिट्स, देयर फिजिकल लिमिट्स. फिर हरियाणवी की डायलैक्ट सीखना है. तो आई थिंक ऑल ऑफ देम एक्चुअली इंजरी तो सभी को हुई, मुझे भी हुई इंजरीज. फातिमा, सानिया, अपना सुहानी एंड ज़ायरा, बट ऑल फोर ऑफ देम यू नो. सुहानी इज़ द लिटिल डार्लिंग बिकॉज शी इज़ द स्मॉलेस्ट. वी ऑल रियली लव हर. एंड ज़ायरा इज़ वेरी वेरी टैलेंटेड. शी इज़ अ वंडरफुली टैलेंटेड यंग गर्ल. सानिया इज़ माय फेवरेट, आई हैव टू से. माय हार्ट गोज़ आउट टू हर. शी इज़ समवन आई यू नो आई जस्ट इमोशनली कनेक्ट प्रॉब्ली मैक्सिमम विद सानिया. एंड देन देयर्स फातिमा हु इज़ डन अ फैंटास्टिक जॉब. She's a very talented actor. I mean, all four are very talented, I have to say. All four, there's no difference. And all four have applied themselves completely. They have... I mean, whatever I say is less about them. Also, the tagline of the film, Hamari Choriyan Choro Se Kam Hai Kya? It's 2016. Don't you think we just have to live it to the answer? Ki kam nahi hai. Asking it again and again, ki kam hai, we are just... nullifying the fact ki haan kam nahi hai. Nahi, 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 aisa nahi hoega. Aap film dekhiye. Trust us. Amir, any particular reason to launch this poster two days before Sultan? Amir, here. Where? Left. Kahan hai? Any particular reason to launch the poster two days before the release of Sultan? Oh yes, because Sultan is going to be a huge super duper hit here. And all the millions of people who come to see Sultan, I want them to see this poster outside in the theater ke bhai hamari bhi aa rahi hai baad mein. So that's the reason. Itni badi bumper hit hone wali, uski opening kuch bizarre lagne wali hai. To jo lakho log aayenge theater mein, to hum theater mein hum kam se kam ek kone mein to khade ho jaye bhai. Hum bhi hain. 6 mahine baad hum bhi aa rahe hain. And so we are using the huge potential that Sultan has to propel our film. Amir, you just said that one of your trainer left you in between, I believe Rakesh. For Bhai. Yeah, so yeah. Were you, did you not feel offended? No, I didn't feel offended. No, because see, the thing is that I know that Rakesh regularly trains Salman, first of all. He regularly trains Salman and has been doing it for many years. So I'm actually a new person that Rakesh is training. So I don't feel that. And at the end of the day, that, you know, Salman is used to him, Salman trains with him, has been training with him for 10-15 years, I don't know how many years. So, wo baat main samajhta hu. Aur main aksar Rakesh ko bolta hu, kabhi kabhi hamara timing clash hoga, uski shooting hai, meri shooting hai, to aap Salman ko preference do, main manage kar lunga. That's my understanding with Rakesh also, from the very beginning. And during our recent interview, Salman said that for 20 days he had to do the fit bit, then he had to do the unfit bit. And then again, he had to loosen his weight and then increase the weight and all, you know. And he said ki Amir ka acha tha, usne to 6 mahine mein kar liya. So, what do you want to say? Bola ye sab changes karna halwa nahi hota hai. He is absolutely right that it's very difficult to do that. It's very challenging. And I can understand because I've been through it and I know he's been through it. So, it's really something that is very challenging and hats off to what he's done here. अभिषेक स्टेट, आपने कहा सलमान आपके बहुत करीबी दोस्त हैं, लेकिन ऑफ लेट हम उनकी और शाहरुख की बॉन्डिंग काफ़ी देख रहे हैं. रिसेंटली वो लोग साइकिलिंग करते हुए भी देखे गए थे. तो क्या आप काफ़ी बिजी चल रहे हैं जो आपके वो नहीं देखा गया साथ में? मतलब आपको क्या लगता है कि एक दफ़ा मेरी दोस्ती होगी किसी के साथ और किसी से दोस्ती अब नहीं हो सकती? मुझे धोखा मत देना, किसी और का दोस्त बनना मत. ऐसा थोड़ी होता है भाई. I'm very happy to know that Salman and Shahrukh are spending time together. They went out cycling. They are, you know, chilling together. That's wonderful. It's really wonderful. Okay, Amir sir, when we see biopics towards your left, when we see biopics being made on
you know, people who are alive, the makers usually bring them towards, you know, when they promote the film. Do you have plans to do the same? Yes, yes. Of course, we would like you to speak to them. We would like to introduce them to all of you. At the right time, we'll be doing that. Amir, the film shows woman encouragement in sports. Yeah. What? Film shows encouragement of women in sports, as is wrestling. So do you think in India there's lack of encouragement for women in sports and it should be increased? I think that जो patriarchal thinking है हमारे समाज में वो हर चीज़ में affect करती है, sports में affect करती है. आप बच्चियों को, हम, मैं आपको बताऊँ, सबसे पहले तो हम बच्चियों को पैदा नहीं होने देते, कोक में ही हम मार देते हैं. फीमेल फीटोसाइट कितना होता है हमारे यहाँ, तो एक तो हम उनको पैदा नहीं होने देते. अगर वो पैदा हो गए तो हम उनको वो वही शिक्षा जो हम अपने बेटे को दे रहे हैं वो नहीं देते. मैं सब हर इंसान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक जनरल चीज़ बोल रहा हूँ. अक्सर ये हमने देखा है कि फिर बच्चियों को सही एजुकेशन नहीं मिलता, उस पर हम एजुकेशन पर खर्च नहीं करते, उसके हेल्थ पर हम खर्च नहीं करते, हम कम खर्च करते हैं. पहले लड़के को खिलाओ भाई, दूध है तो उसको पिलाओ. तो ये सारी चीज़ें जो हम देखते हैं हमारे समाज में, हर घर में ऐसा नहीं होता. मेरे घर में कभी ऐसा नहीं हुआ. मेरी दो बहनें हैं, हम दो भाई हैं और हमें हमेशा इक्वल ट्रीटमेंट मिला है. लेकिन कई जगह ऐसा होता है, तो हमें ये बात मान लेनी चाहिए कि हमारे समाज में ये सोच है. और कोशिश हम सबकी यही हो कि हम इस सोच को धीरे धीरे लोगों के दिल में से उस सोच को बदलें. और अल्टीमेटली जब लोगों का दिल बदलेगा, जब उनके जज्बात बदलेंगे, तभी ये बात बदलेगी. Amir, when you said that, you know, poster aap kone mein rakhna chahenge Sultan ke release par so that people would also see it, you know, are you implying the fact that Salman is today a bigger star than you? He's always been a bigger star than me. Isme nahi kya baat hai. I've always considered Salman a bigger star. I've always considered Shah Rukh a bigger star. I've always considered Amit ji a bigger star. And there are a host of stars who I feel are very, very huge in India. There's Hrithik, there's Ajay Devgan, there's Ranbir, रणवीर, सो मेनी एक्टर्स हुआ ह्यूजली पॉपुलर. है इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंपेयर कौन आगे कौन पीछे, वो उस कंपेरिजन में जाता नहीं. बट आई डू फील दैट यू नो व्हेन आई सी सलमान वॉकिंग इनटू अ रूम, ऐसा लगता है कि स्टार आया यार. मैं एंटर मारता हूँ तो लगता है कि कोई वेटर आ गया. सॉरी, आई एम सॉरी, आई शुड से दैट बिकॉज वेटर्स आर ग्रेट पीपल. कहाँ हैं भाई वेटर्स? आई शुड से दैट. बट I feel that when I walk into a room, I feel कि कोई nobody आया है. मैं चुपके से corner में enter होता हूँ और जाके खड़ा हो जाता हूँ. It's Salman who enters Shahrukh. When Shahrukh enters, you feel a star has entered. वो quality है ही नहीं मेरे में. So to answer your question, yes, they are both bigger stars than me. आमिर, last question. आमिर, एक सवाल है आपसे. अभी आपने कहा कि जो लड़कियाँ हैं वो पेट में ही मार दी जाती हैं या उनको ज़्यादा प्रिविलेज नहीं मिलता है, और हरियाणा तो इस मामले में सबसे नंबर वन पोजीशन में है हमारे देश में. तो क्या आपको ऐसा लगता है कि इसके लिए भी जिस तरह से आपने अतिथि देवो भव और ऐसे ढेर सारे कैंपेन किए हैं, सत्यमेव जयते में भी कहा है, वैसे इसके लिए भी आपको एक अलग से प्रयास करना चाहिए? और दूसरी बात कि आप, यही तो हमारा प्रयास है जी, ये जो फिल्म हमने बनाई है ये सबसे बड़ा प्रयास है. आप देखिए तारे ज़मीं पर का कितना बड़ा इम्पैक्ट हुआ है देश भर के बच्चों में, देश भर के पेरेंट्स में. थ्री इडियट्स का कितना बड़ा इम्पैक्ट हुआ एजुकेशन पे. तो मेरे समझ से यही तो हमने दो साल जो लगाए, मैंने दो साल लगाए, नितेश जी ने चार साल लगाए, यही तो हम कर रहे हैं, यही तो हमारी कोशिश है. और आपकी बेटी भी स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट लेती है, तो आप उसको किस तरह से? आयरा का इंटरेस्ट है बहुत स्पोर्ट्स में, एंड शी इज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन पेंटिंग, शी इंटरेस्टेड इन डिफरेंट थिंग्स. एंड बोथ रीना एंड आई एंड किरण, वी इनकरेज आवर किड्स टू डू वॉट makes them happy and to learn about things that they are interested in always. Amir, अक्सर ऐसा होता है कि जब बायोपिक बनती है बॉलीवुड में खासकर, तो जिस पर बायोपिक बन रही होती है उसे थोड़ा हम ग्लोरीफाई करते हैं. ऐसा लाजमी है कि किसी भी हीरोज में भी फ्लॉज होते हैं, लेकिन बॉलीवुड में अक्सर ग्लोरीफाई किया जाता है. तो क्या इस फिल्म में महावीर जी के नेगेटिव एस्पेक्ट पे भी फोकस किया जाएगा, या ऐसे कोई इसे ग्लोरीफाई नहीं करने की कोशिश, आप क्या कहेंगे इस पे? आई थिंक नितीश जी इस आंसर को बेटर जवाब दे पाएंगे, बिकॉज दो हमारे मेरे मन में भी जवाब है, लेकिन आप राइटर डायरेक्टर हैं, आप बताइए. एक्चुअली इसमें इतना ग्लोरीफाई करने की हमने कोई चेष्टा नहीं करी है. इस फिल्म में जितना रियल
रख सकते हैं हम लोग उतना ही रियल रखने की कोशिश की है. इनफैक्ट महावीर सिंह का जो कैरेक्टर है वो भी एकदम क्लोज टू बीइंग परफेक्ट नहीं है. एक वक्त है महावीर सिंह की लाइफ में जब उसे बेटा चाहिए और बेटे की चाहत में ही चार लड़कियां होती हैं उनको. तो ऐसा नहीं है कि उनका जो कैरेक्टर है वो एकदम यू नो परफेक्ट है. बट फिर कैसे कहानी आगे बढ़ती है और क्या होता है वो अभी मैं बता दूंगा तो फिर यू नो इतना कुछ मतलब नहीं रह जाएगा. बट यस यू नो ऐसा कुछ अननेसेसरीली और अनरीजनेबली ग्लोरीफाई करने की ऐसी कुछ खास प्रयास तो नहीं है. आमिर आपसे सवाल है. आमिर अगर मैं गलत नहीं तो ये चौथी स्पोर्ट्स फिल्म है आपकी. अव्वल नंबर आपने की थी देवानंद के साथ और उसके बाद जो जीता सिकंदर फिर लगान की और ये चौथी फिल्म है जी दंगल. तो आपको क्या लगता है बॉलीवुड में स्पोर्ट्स जो जॉनर है वो कितना इवॉल्व हुआ है आपको क्या लगता है इस बारे में? यकीनन लगान से अगर हम देखें जो 2000 में आई थी 2001 में आई थी तब से क्योंकि उससे पहले कोई फिल्म स्पोर्ट्स फिल्म वर्क नहीं हुई थी. लगान से पहले कई बनी थी कामयाब नहीं हुई थी जो जहाँ तक मुझे याद है. तो लगान पहली फिल्म थी जो स्पोर्ट्स फिल्म थी जो बहुत बड़ी कामयाब हुई थी और उसके बाद लगातार कई फिल्में आईं. चक दे इंडिया आई जो स्पोर्ट्स पे थी और भी कई फिल्में आई हैं जो बहुत कामयाब हुई हैं. तो यकीनन वो सिलसिला शुरू हुआ है. स्पोर्ट्स फिल्में अब बनने लगी हैं और अलग अलग स्पोर्ट्स पे बनती हैं. बॉक्सिंग पे है, हॉकी पे है, क्रिकेट पे है, फुटबॉल पे शायद फुटबॉल पे भी एक बनी है. तो इट्स गुड टू हैव डिफरेंट जॉनर्स. मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि आपकी जो वाइफ बनी है साक्षी तंवर उनके कास्टिंग प्रोसेस के बारे में हम जानना चाहेंगे आप दोनों से. और इसके लिए मल्लिका शेरावत ने भी ऑडिशन दिया था हमने, उन्होंने खुद ट्वीट किया था इस बारे में. हाँ नहीं देखिए देखिए ऑडिशंस तो हम कई लोगों के लेते हैं और उसके बारे में हम बात नहीं करते किसका हमने ऑडिशन लिया है, वो सही नहीं होता. लेकिन साक्षी जी के बारे में मैं ज़रूर आपको बताऊँगा कि एक्चुअली साक्षी जी के का थाट मेरे माइंड में पहले आया और मैंने नितीश जी को सजेस्ट किया कि शुड वी ट्राई साक्षी जी, शुड वी टेस्ट हर. क्योंकि मेरे माइंड में थी कि मेरी अम्मी जो हैं वो टीवी सीरियल्स बहुत देखती हैं एंड शी लव्स साक्षी. तो आई टोल्ड नितीश जी कि यार लेट्स ट्राई हर. एंड नितीश जी ने टेस्ट लिया, नितीश जी को पसंद आया टेस्ट एंड दैट्स हाउ शी वॉज कास्ट. एंड शी इज़ फैंटास्टिक आई टेल यू. मतलब तब तक तो सिर्फ कास्टिंग की बात थी, जब हमने शूटिंग पे हम आए तो साक्षी इज़ सच अ फैंटास्टिक एक्ट्रेस, अनबिलीवेबल. मतलब वो एक टेक पे परफेक्ट टेक देती है पहले टेक में. और नॉट ओनली शी इज स्किल्ड बट शी इज सो वेट विद इमोशंस. सो देयर इज अ डेडली कॉम्बिनेशन ऑफ रियल स्किल विद यू नो फीलिंग द शॉट व्हाइल यू आर डूइंग इट, व्हिच आई फाइंड दैट वेरी रेयर यू नो. एंड एवरी शॉट शी डज दैट. मतलब मैं स्ट्रगल कर रहा हूं और वो ढम 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 बॉल को सिक्सर विक्सर मार रही है. मुझे लग रहे हैं 7 take 8 take. शी इज फैंटास्टिक. आई जस्ट लव्ड हर एंड शी इज सच अ जॉय टू वर्क विद. यू रियली वंडरफुल टू वर्क विद. हाँ नहीं नाम तो मैंने सोचे नहीं थे उस वक्त लेकिन ये थॉट मुझे अक्सर आता है हर फिल्म में. मैं बताऊं आपको हर फिल्म जब आखिर तक पहुंचती है तो मुझे लगता है अरे यार अभी एक हफ्ता रह गया, अगर मुझे कुछ हो जाए तो अपनी पूरी जो मेहनत है 90 दिन की शूटिंग वो सब वेस्ट हो जाएगा क्योंकि मैं 7 दिन पहले मर गया या कुछ हो गया. ये थॉट मुझे हमेशा आता है. अच्छा थॉट इसलिए आता है, मैं सोचता हूँ कि प्रैक्टिकली क्या कर सकते हैं अपन उसको सॉल्व करने के लिए. तो मतलब कर तो कुछ नहीं सकते, ऊपर वाले के हाथ में जो होना है वो होगा. लेकिन इस फिल्म में मैंने नितीश जी को एक पॉइंट पे बोला, वही यू देयर? नो यू आर नॉट देयर. तो मैंने नितीश जी को बोला कि देखिए नितीश जी मेरा मोटा पोर्शन जो है ना 80% जो फिल्म है वो तो हो चुकी है, अब बची है 10-15% जो अपना यंगस्टर की है. खुदा ना खास्ता मुझे कुछ हो गया तो आप किसी और को कास्ट कर लेना जो मेरा महावीर का यंग पार्ट करेगा, लेकिन अपना जो 80% बना है वो वेस्ट नहीं जाना चाहिए. मैं अभी कहाँ सोच रहा, मैंने सोचा भी नहीं था. आपने सोचा? नहीं सर. नहीं सोचा आपने, चलिए अच्छी बात है आपने नहीं सोचा. सॉरी व्हेन इज द ट्रेलर एक्सपेक्टेड? यू नो वी आर स्टिल वर्किंग ऑन द ट्रेलर सो एज सून एज वी आर रेडी आई कांट से येट व्हेन.
When I'm applying to watch Sultan, the moment it comes in the theaters, yeah, 6th July, hopefully I'll see 6th soon enough. Koshish karunga jaldi se jaldi. Thank you so much, everyone. Thank you so much. Welcome to the league, bro. So, Fatima, Sanya, a proud moment for both of them today. Tell us, how is it? Hamara aaj pehla din interviews ka. I'm very happy. Tiring? No, not at all. So much fun. It's fun. We like to talk. Lekin, Mr. Perfectionist ke saath aap kaam kar rahe ho. To, achha, we have to look in the camera. I'm really sorry. With Amir Khan, tell us something about the process that we've gone through throughout. It was a lot of fun. He's quite a fun guy to work with and very simple, very, very helpful. Very warm. Yeah, very warm. So he's very simple. He's like a normal. He's not. Unka aise aise superstar vibe nahi hai. So it was very easy for us to work with him. Yeah. I met Kripa Shankar, उन्होंने बोला कि मैंने बहुत मेहनत की है लड़कियों के पीछे और वो लोग भी बहुत डेडिकेटेड थे. तो tell us something about the training that I've gone through, the diet that you've been eating, and you've been training all for 6-7 months maybe. Correct me if I'm wrong. Yes, he's right. And I think अगर जितना भी हमने फिल्म में रेसलिंग किया है, जितना भी हम फिल्म में कर पाए हैं, to look like wrestlers, पूरा क्रेडिट हमारे कोच कृपा शंकर सर को जाता है. मतलब हमारे लिए फॉर द स्टार्टिंग 2-3 मंथ मेरे लिए तो काफ़ी मुश्किल था टू डू रेसलिंग, क्योंकि मुझे लगा था कि बीइंग अ डांसर इट विल बी वेरी इजी फॉर मी टू लर्न रेसलिंग, बट ऐसा कुछ भी नहीं था. मेरे लिए तो उल्टा ही बड़ा. बट इन द मेकिंग वीडियो आमिर आल्सो सेड द सेम के यू आर द वीकेस्ट ड्यूरिंग दे वर ट्रेनिंग यू ऑल. बट नो दैट वाज ज़ायरा. एंड द टाइम व्हेन शी कम ऑन द कैमरा एंड शी इज लाइक वन टेक ओके, दैट्स ज़ायरा. दैट इज योर प्रोसेस दैट व्हाट डिड आमिर कॉम्प्लीमेंट और एनीथिंग दैट यू हैव गॉन थ्रू. So I don't have itna wrestling in the film, but I know that I'm playing a wrestler. So I used to Fatima ka kafi wrestling hai movie mein. To meko pata hai ki main agar ek movie mein wrestler dikhna chahti hu aur main thodi bahut jitni bhi wrestling kar rahi hu wo main achhi bhi hai wo bhi perfect honi chahiye. Perfect honi chahiye, isliye main Fatima ke sath aur sabke sath maine bhi 7-8 mahine wrestle kiya. Aur agar ye 8 mahine training nahi karti to iski wo जो थोड़ी देर की भी स्क्रीन टाइम में जो रेसलिंग है, इट यूज़ टू लुक फेक, इट वुड लुक फेक. सो इवन शी हैड टू, सो दैट्स क्वाइट कमेंडेबल बिकॉज इन स्पाइट ऑफ नोइंग दैट शी हैज वेरी लिटिल स्क्रीन वाला रेसलिंग टू डू, शी इज गिवन एवरीथिंग एंड एवरी सिंगल डे शी इज कम फॉर ट्रेनिंग. नॉट वंस ऐसा है कि शी सेड कि नहीं आज मेरा मन नहीं, मेरी फिल्म में इतनी रेसलिंग नहीं है तो मैं नहीं आऊँगी. और ये सब हुआ बिकॉज ऑफ आवर कोच ऑल्सो, बिकॉज ही यूज टू मेक आवर रेसलिंग सो मच फन. बट आपको ये रोल कैसे मिला वो सब के बारे में बताना चाहूँगा. कितने ऑडिशंस दिए आपने, व्हाट वाज द फर्स्ट रिएक्शन व्हेन यू केम टू द वर्किंग विद दंगल विद आमिर खान. सो एक तो बहुत सारे लेवल्स थे ऑडिशंस के, क्योंकि पहले हमें कॉल किया जो नॉर्मल था. मतलब मैं जब गई थी ऑडिशन के लिए मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे फिल्म मिल रही है.
मैंने तो ये सोचा था कि आज एक्टिंग कर लूँ. मैं ऑडिशन इसलिए देती थी कि थोड़ी एक्टिंग कर लिया जाए, क्योंकि काम मजे कर आते हैं. काम तो मिल ही नहीं रहा था, तो मैंने सोचा कि थोड़ी एक्टिंग कर ले. तो व्हेन आई वेंट एंड आई गॉट अ कॉल आफ्टर अ मंथ कि आप शॉर्ट लिस्टेड हो. व्हेन आई वेंट देयर मैंने सोचा शॉर्ट लिस्टेड हो मतलब कि दो तीन लड़कियाँ होंगी और. आई एंटर एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक लड़कियाँ आ रही है एंड 15 लड़कियाँ थी. तो मैंने सोचा यार धोखा किया गया मेरे साथ. मुझे तो बोला था मैं शॉर्ट लिस्टेड हूँ, लेकिन इतनी सारी लड़कियाँ शॉर्ट लिस्टेड है. तो एनी वे ऐसे कई लेवल्स थे. पहले मुकेश छाबड़ा के साथ वर्कशॉप हुआ, फिर नितेश सर के साथ वर्कशॉप हुआ, फिर हमारा जिम का और रनिंग का एक टेस्ट था, फिर उसके बाद आमिर सर के साथ टेस्ट हुआ, फिर हमारा कृपा शंकर बिश्नोई सर के साथ रेसलिंग का 2 हफ्ते का टेस्ट हुआ, वेयर दे वर टेस्टिंग इफ वी हैव द पोटेंशियल to look like an international wrestler and to be able to do that. So, Kripa sir had to judge that. So, ek do hafte mein he had to see if we were capable or not capable. Yes. But did your personally meet Kabir Popat also? Yeah, dekhiye, Geeta Babita Mahavir ji hamare muhurat pe aaye the film ke pehle shoot ke din pe. Tab hum unse mile the. Geeta Babita hamare जब हम रेसलिंग प्रैक्टिस कर रहे थे तब भी एक बार ही आए थे. हाँ. उससे पहले हम उनकी वीडियोस बहुत देखते थे. जब भी हम अपनी ट्रेनिंग के लिए जा रहे होते थे, उससे पहले हम गीता बबीता और जितने भी बाकी के रेसलर्स हैं उनकी वीडियोस बहुत देखते थे. तो जब हम पहली बार मिले बोथ ऑफ अस वाज स्टारस्ट्रक टू सी गीता एंड बबीता. बहुत खुश हो गए थे उनको देख के, क्योंकि हमारे लिए तो इतने महीनों से हम उनका वीडियोस देख रहे हैं, उनको स्टडी कर रहे हैं कि वो कैसे खड़े होते हैं, कैसे रेसलिंग करते हैं, कैसे चलते हैं, और उनको सामने देखना वी वाज स्टारस्ट्रक. मेरा ठीक है, पर ये नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ नहीं होना चाहिए. छोड़ो एक सेकंड नहीं होगा ऐसे. क्यों नहीं होगा? नहीं नहीं वेट नो लीव नो लीव नो योर दिस कॉल एंड ना सी सॉरी इस लड़की को कुछ नहीं आता. यार एक बात बताओ, कहाँ देखना है कैमरे में? सॉरी हम लोग बार बार हाँ तो यानी जब हम उनसे पहली बार मिले तो हम काफ़ी स्टारस्ट्रक थे. हाँ एक्चुअली हम इतने स्टारस्ट्रक मिस्टर आमिर खान को देख के नहीं थे, बिकॉज जब हमने उन्हें पहली बार देखा तो एक क्यूट टेडी बेयर के जैसे दिख रहे थे. 97 kgs. ही डिडंट लुक लाइक हिमसेल्फ द स्टार आमिर खान जो मलंग मलंग में था या यू नो पीके में 3 idiots में. ही वॉज नॉट लाइक हिमसेल्फ. हम स्टारस्ट्रक तब हुए जब वो वेट लॉस कर हम जब शूट कर रहे थे दिल्ली में, तब आए. वी वर शॉक टू सी हिम. नहीं नहीं बिल्कुल ट्रबल नहीं किया. परफेक्शनिस्ट के ज़्यादा ही इज अ पैशनेट एक्टर एंड इट्स गुड, इट्स अ वेरी गुड लर्निंग एक्सपीरियंस टू बी विद हिम. या इट्स सो अमेजिंग टू बी अराउंड समबडी हु सो पैशनेट अबाउट हिज क्राफ्ट. यस यू नो इवन द माइन्यूटेस्ट डिटेल्स ही वुड पे अटेंशन टू इट एंड जस्ट टू ऑब्जर्व दैट एंड टू लर्न दैट फ्रॉम हिम इज क्वाइट अ ग्रेट थिंग. सो व्हाट अ रियल लाइफ लेसन यू विल टेक इट फ्रॉम हिम और गाइडेंस और what did it like inculcate in you being with him for such a long period? So we are interning Amir sir from the past 3-4 months. And we've been learning about acting, about filmmaking. What goes like pre-production mein kya hota hai, post-production mein kya hota hai, sirf ye sab hum kafi mahino se seekh rahe hain. Aur ye sab hi nahi, wo kafi socially aware hai. उनको यानी बहुत पता है कि सोसाइटी में क्या चल रहा है एंड ही वॉन्ट्स टू गिव बैक टू द सोसाइटी. ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है उनके बारे में, क्योंकि वो इतने सोशली अवेयर है और उनकी वजह से हम भी उनके साथ रह रहकर थोड़े बन रहे हैं. वी आर बिकमिंग गुड ह्यूमन बीइंग्स, बेटर सिटीजंस. आई थिंक सेम थिंग फॉर मी. अच्छा आई कांट से द सेम थिंग, आई एम नॉट अलाउड टू से द सेम थिंग, सो आई एम गोइंग टू से ऑप्स. तो सी because we've been part of the whole process, pre-production, post-production, and unko dekhti hun jab main ki wo kitna apne character mein ghus jate hain aur kitni preparation karte hain, to as an actor mujhe inspire, maine mujhe ek dusra tarika dikh gaya hai acting karne ka, matlab ek ki aise bhi acting ki ja sakti hai aur itna matlab ek character mein kaise ghusa jata hai ki, kyunki
मतलब मैं उतनी मैं काफ़ी रॉ हूँ. मैंने मैंने बचपन में एक्टिंग की बट दैट डजंट मीन कि मैंने बहुत एक्टिंग की या फिर मैं बहुत जानती हूँ एक्टिंग के बारे में, तो वैसा नहीं है. पर उनको देख के मुझे बहुत सीखने मिला है एंड बहुत ही गिविंग एक्टर है वो. तो अगर आप कोई सीन कर रहे हो ना तो वो कम्प्लीटली इन्वॉल्व है, वो क्यूज देने भी आते हैं. तो ऐसा नहीं है आप सीन करके चले गए, वैसा नहीं है. वो आपके साथ बैठेंगे, वो आपको क्यूज देंगे जब आपका क्लोजअप चल रहा है. तो इवन नाउ व्हेन ही इज अचीव्ड सो मच इन लाइफ, ही इज अ सुपरस्टार, बट येट ही इज सिंपल. ही इज अ सिंपल मैन, ही इज अ यू नो पैशनेट एक्टर, ही विल गिव एवरीथिंग टू इट. बट वी हैव सीन ऑल द मेकिंग वीडियोस दैट हैव बीन अपलोडेड बाय यूटीवी मोशन पिक्चर्स, बट व्हाट वर द बिहाइंड द सीन्स प्रिपरेशन दैट यू हैव बीन गोइंग थ्रू? हरियाणवी रेसलिंग, working out, these are the three things which were very important for this role. Because agar hum training nahi karte to humne jo wrestling film mein ki hai wo hum dikhai nahi pate. Haan. Without training that is impossible, that's impossible. Without learning the dialect it's impossible to talk like that. Without working out it's difficult to look how you looked. So all of these three things were very important, very important. Before going on set. Completely. Anything else you would like to share with the viewers and fans? Or want to give some dangle poses or anything? Dangle pose? No, I would like to say to the viewers ke up until now, everybody has given a lot of love to us. And it's quite overwhelming. And I would really like to thank you and वी वुड रियली लाइक टू थैंक यू. वुड रियली लाइक क्योंकि हमारा बहुत हम दोनों के लिए नहीं बट छोटे गीता बबीता, छोटे ओमकार बड़े ओमकार, हम सबके लिए कि बहुत ही सुंदर जर्नी हम लोगों ने 2 साल तक हमने दंगल को दिए हैं एंड हमने बहुत प्यार से मूवी बनाई है. आई होप दैट यू गाइस रियली लाइक इट. यस. ओह बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा. आई लाइक माय शॉर्ट हेयर. इवन आई लाइक माय शॉर्ट हेयर. आई वाज रियली हैप्पी. ऐसा लगा था कि रो रो के यानी नदियाँ बह जाएंगे बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. वी वर रियली हैप्पी. I was completely excited for it. Yeah. So all the very best for Dangal. Thank you so much. Thank you so much. What? हाँ कुछ तो जल रहा है. कुछ जल रहा है. वो प्लास्टिक जल रहा रहेगा. माइक उतारे. ठीक है अभी. Both are easy and both are humble persons and both are dedicated. So for me it was too easy for training both of them. There was no hesitate to, you know, they are star or they are like, they are really down to earth and they are really humble. So it was easy for me to working out with them. So Rahul, tell us something about the reaction to Amit's pit belly when you first saw him in that shape. Reaction to the fit belly? Fat belly, yeah. That was, you mean the entire process? Yeah, I've been completely amazed. And what is important is that it's, you know, that video became viral and there've been 20 million hits. And most importantly, you know, it's aspirational in nature. So many people are inspired. Normal people, I've been inspired because this is completely from a normal person to poster boy look. So it's great that he's inspired the youth and I mean elder guys in India. To bring about change, and that's what's most inspiring. There's a cult now. But Rakesh, how true is it that you left? How true is it that you left Amir Khan training for Salman Khan? So no, it was already has been planned. Like when we started this Dangal, and during those days, I used to talk with the sir, and I used to sometime this. Sultan is going to start and I have to go. So mentally he was also prepared for this, and I informed him long back when the Sultan will start I have to go and train sir. So in that case then Rahul sir came in on board and he taking care of everything after that, and then I came back.
and this is how we done it together, you know. Tarol, as you said it, that the videos have been out for the press at the house, but what are the behind the scenes preparation for? Okay. No, with Aamir Khan, the one thing you got to do is you got to do your homework. Yeah, completely. If we have a workout tomorrow, our preparation begins the night before, the evening before. So that's one thing you got to do, is that you have to do your homework. So, in terms of our job, Rakesh and myself, was to lay the most effective, safe blueprint and execute with the utmost efficiency. And we did that. We worked towards a unified vision. Though we are both experts, we have a slight differences of opinion in methods, but our principles remain the same. And we were working towards union. All three of us, even Aamir, we were all flying to the same airport. And that's how we've been able to achieve what we've achieved with such efficiency. Yeah, that's important. But Rakesh, what are the three things that is very difficult or the biggest challenges to There's not a difficult things, I guess. What but challenges that as a challenge, we already planned it this for a longer time. Yeah, like we planned it such a way we'll put on first weight and then we'll reduce. So I will be knowing this for longest time. So we planned it before we started. So when you train with a celebrity, you have to plan it everything before you start or before you execute something. I need an honest answer to that. As Aamir Khan being a perfectionist, who has been troubled the most between both of them? What no, no one. I'll answer that. Yes, he is a perfectionist, but in the larger picture of things, it benefits everybody. Mm-hmm. It's because it's for everybody's betterment. Right. So he is a perfectionist in a good way. He doesn't overburden you with his perfectionism. And he in the gym, we are the boss. Yeah, he takes orders from us. He doesn't put in his two bits or whatever he knows. He completely surrenders. So I don't think that would be... There were no cheat days. On our records, there were no cheat days. No, absolutely no cheat days. But that's the reason why he's been able to achieve results is because 110% dedication towards diet. What was the diet like, sir? Would you like to elaborate more? It was a cyclic low-carb diet. Caloric count was oscillating between 1700 to 2400 calories. Five-six meal plan. High in first-class protein. Carbs were there. Contrary to today's fad diet perception that you cut carbs or you give no carbs. There were carbs there. He was eating a lot, in fact, yeah. And he was losing weight. Balance, basically. Yeah. No, you're referring to people who customize these tailor-made meal packages. Yeah, that is only for the rich and almighty. Yeah, common man can't afford that. Yeah.